Okay, Malik. So, good morning. Good morning. Okay. Nevertheless, good evening, Malik. Hopefully, everybody is doing good. और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। अब डोंट वरी, थोड़े टाइम में आपको समझ में आएगा। थोड़े से शब्दों का हेर फेर है। ओके, तो टू बी वेरी प्रिसाइज, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, थोड़ा सा कंटेंट एंड अदर थिंग्स को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि भाई, माई सेल्फ अमित पापेड़, रहते थे ना, अमित पापड़ बोलने से अच्छा तोड़ बोलते मेरे को। ओके, तो अपनी लाइफ में तोड़ ऐसा शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है। तो आप ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द लेक्चर, जैसे कुछ आड़े टेढ़े शब्दों का प्रयोग सुनोगे। अभी आड़े टेढ़े शब्दों का प्रयोग मतलब कैसा, बताता हूँ, थोड़े टाइम में अपने को समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट अडॉप्ट करनी पड़ेगी, दैट इज द वर्ड्स और स्लैंग। इसको हम लोग स्लैंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये इनबिल्ट है। सिस्टम जो रहता है ना, ये अपना ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है ना, इसका थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जब पैदा हुआ ना तो अच्छा हुआ था, पापा ने जब बड़ा किया तो भी अच्छा था, लेकिन जब बड़ा होने के बाद जब बाहर के लोगों से मिला तो थोड़ा सा करप्ट होना चालू हुआ, और फिर लैंग्वेज थोड़ी सी और करप्ट होती गई। तो आज फुल फ्लेज करप्ट लैंग्वेज के साथ जिंदगी जी रहा है। बट डेफिनेटली एब्यूसिव नहीं है। स्लैंग लैंग्वेज है। थोड़ा सा ऐसा वर्डिंग्स होते हैं, जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल बोलो, तोड़ बहुत बार आ जाता है। माँ कसम बार बार आता है मेरे इसमें से। बाप, भाई, तोड़, अरे ऐसे, ये वो, ये थोड़े से स्लैंग लैंग्वेज के ऑप्शंस है। अब सबसे बड़ा डिस्कशन आता है। एक शिवम जी पूछ रहे, सर आप नए ज्वाइन हुए हैं? हाँ मालिक, मैं अभी बस कल, बस मेरे को थोड़ा सा मैं ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो सीन ऐसा है, आपके आपके कॉन्सेप्ट में ये होगा कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी प्लस माइनस हो सकती है। तो क्या सर, हम चार्टेड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन देने वाले हैं। हम एकदम प्रोफेशनल बनने वाले हैं। 100% प्रोफेशनल ही बनना है। तो सर आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो किस क्या है? तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, एब्यूसिव नहीं है, स्लैंग है। स्लैंग मतलब क्या मालूम है क्या भाई? और उसका कारण सिंपल है कि मैं मुंबई से हूँ, तो मेरी अपनी पूरी जिंदगी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई निकली है। मतलब ऑलमोस्ट मेरे 40 साल लाइफ के मुंबई में निकल गए। तो मुंबई में अपनी दोस्ती यारी रही है, सारी चीजें रही है। क्वालिफिकेशन वाइज बोले तो डेफिनेटली चार्टेड अकाउंटेंट। तो मैं सीए हूँ, अच्छे से पास हुआ हूँ, डिग्री है। एंड टू बी प्रिसाइज, आई एम नॉट होल्डिंग ओनली वन क्वालिफिकेशन। अगेंस्ट माय नेम आई एम हैविंग 9 क्वालिफिकेशंस। तो अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो मल्टीपल क्वालिफिकेशन है, जिसको अपन कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन मैंने बताया, नाम बताया, तो आपको उसके फुल फॉर्म भी बताने पड़ेंगे। तो अभी के हाल फिलहाल जस्ट एक छोटा सा बैकग्राउंड कि भाई, चार्टेड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन हुई, जैसे भी हम घुसे, जैसे भी हमने जिंदगी जी। एक जबरदस्त था जो टिल डेट तक रहता है, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जिए। तो आज के डेट तक वट एवर आई डू, वट एवर आई फॉर्म, वट एवर आई डू, वट एवर आई डिस्कस, इट इज बेस्ड ऑन एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट इज लाइफ इज ओनली सिंगल। जितना जीना है वैसे अपने हिसाब से निकालो। इसकी वजह से थोड़ी सी लैंग्वेज मेरी, थोड़ी सी ये पॉइंट, प्रोफेशनल, ये थोड़ा सा कैटेगराइजेशन थोड़ा सा अपसाइड डाउन है। एंड इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब डेफिनेटली आपको ऐसा ड्रेसिंग पॉइंट पे आपको ऐसा बहुत मतलब ऐसा लगेगा, सूट पहना है, टाई पहना है, भारी आदमी है भाई, भारी आदमी है भाई, है पहना है भाई। लेकिन जैसे मुंह खोला, अरे माँ कसम क्या बोल रहे हैं? तो ये सीन है कि सामने वाले के पॉइंट पे। बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा पहले बता दूं, जिसकी वजह से आपको ये स्लैंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मतलब मैं 2005 में मैं सीए हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वाज इन 2005। 2006 में आई ज्वाइन पीडब्ल्यूसी। आई डोंट नो हाउ मेनी फिर अवेयर अबाउट पीडब्ल्यूसी, पर मैं थोड़ा सा प्राइस वाटर्स कूपर, जो सीए फर्म में बिग फोर्स में आती है। अक्रॉस वर्ल्ड, तो अक्रॉस वर्ल्ड जो बिग फोर आती है, यानी चार टॉप सीए फर्म, यानी अपन सीए बन के करेंगे क्या, तो लॉजिकली उस कंसेप्ट में जाए तो उसमें सीए फर्म्स होती है, जो अपन अपनी ऑफिस खोल के बैठ सकते हैं, अपनी ऑफिस होगी। आप खाली, अगर आपके दिमाग में होगा खाली अपन किसी के टैक्स रिटर्न भरेंगे, अपन किसी का भाई यार अकाउंट्स बनाएंगे, ये एक बेसिक बहुत बहुत पुराने ट्रेडिशनल काम हो गया। आज के डेट में अकाउंट्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है, आज के डेट में सारी चीजें करने के लिए बहुत सारे, टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी सॉफ्टवेयर है। पर अपन बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें अपन एक ऑफिस खोलते हैं, तो वो ऑफिस में अक्रॉस वर्ल्ड में जो बिग फोर्स होती है, उसमें से चार नाम जो होते हैं शायद सुने हो आपने, एक है प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, एक होता है डेलॉइट्स, एक होता है अर्नस्ट एंड यंग, और एक होता है केपीएमजी। तो
ये चार एक बिग फोर्स होती है जहां पर सीए प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स मानी जाती है अक्रॉस वर्ल्ड। तो उसमें से जो एक बिग फोर है उसमें मैंने काम किया। ओके, 1 एंड 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली अपन ने उसमें से थोड़ा सा काम किया, और वो चेंज करने के बाद आई ज्वाइंड एचडीएफसी बैंक। और मेरे ख्याल से सब लोग को एचडीएफसी बैंक मालूम होगा ही। एचडीएफसी बैंक आज के डेट की इंडिया की थर्ड टॉप 3 बैंक्स में है। तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 3 साल काम किया। तो 2009 तक अपन ने 2010 तक अपन ने काम किया, एंड देन आई केम इन टीचिंग। उसकी भी अपनी कभी हिस्ट्री है, वो क्यों आया, कारण क्या है सर, क्या जिंदगी में किया। अरे भाई मैं क्यों आया उसका भी बहुत बड़ा कारण है। तो भाई कारण नहीं, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई यार आई एम टिपिकली अ प्रोफेशनल। लेकिन क्या है, आपके साथ इंटरेक्ट करते हो, आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट एकदम सबसे तोड़ बिठाना पड़ेगा कि भाई कॉन्सेप्ट, कंटेंट का कॉन्सेप्ट मां कसम तोड़ बना दूंगा, मेरी गारंटी। अब आप बोलोगे तोड़ मतलब क्या, तोड़ मतलब बहुत भारी नेक्स्ट लेवल। कॉन्सेप्ट की बात करो, मां कसम तोड़ बना दूंगा। रिकॉर्डिंग की बात करो, मां कसम तोड़ करा दूंगा। लिखने की बात करो, तोड़ करा दूंगा। लेकिन मेरी लैंग्वेज ऐसी ही रहेगी। ये पहला पॉइंट समझा। मेरा पॉइंट ये होता है कि मेरी लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अभी क्या होता है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। इसमें से कोई बैठा हुआ है जिसके घर में ना थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी वाली, मतलब वो एक सोबो वाली लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब एकदम ऐसा साउथ मुंबई हम लोग बोलते हैं, जिसमें एकदम बोलते हैं ना प्रॉपर घर पे एकदम आते, आप कैसे हो, ओके क्या करना है, ओके जल लीजिए। तो अगर अगर ऐसे कुछ पॉइंट है तो उसमें हम लोग कैसा लगेगा, ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं, ये आते हैं क्या, ये मुंह खोल रहे, क्या आवाज आ रही है। तो मैं इसलिए सबसे पहले बता दूं कि भाई प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके एकदम आराम से, बिकॉज ये डिफॉल्ट प्रॉब्लम है सिस्टम का। तो ऐसी लैंग्वेज आपको मिलेगी डेफिनेटली। 2-4 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप ये लैंग्वेज बोलने लगोगे और घर वाले मुझसे पूछेंगे भाई क्या हुआ। तो ये है कि मतलब ऐसा बोलते हैं ना, वो एक एडेप्टेबिलिटी की पॉइंट है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कंटेंट, मैंने कुछ क्वेरी पूछी और मेरा पूरा सेशन इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव मतलब माँ कसम, मतलब जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे माँ कसम मेरा बोलने का क्या फायदा, बुक ही रीड करनी है तो मैं इधर क्यों चाहिए। तो इट इज नथिंग टू डू विद दैट पॉइंट। अपना पॉइंट है, मैं जब टीचिंग में आया हूँ मैं नॉलेज देने के लिए आया हूँ मालिक, और नॉलेज देना है तो नॉलेज जब होता है जब आपसे इंटरेक्ट होगा तो ही तो मजा आना। तो घर पे के कैबिन में बैठ के कोपरा का भी कैबिन बना दू, उसमें इंटरेक्ट करूँ तो आपके साथ इंटरेक्ट हो। तो सबसे मेरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि मेरे को इंटरेक्शन की बहुत जरूरत है। जब मेरे को ऐसा आवाज नहीं आया ना तो फील नहीं आता मेरे अंदर। इसमें बच्चे का कोई मेरे को लॉजिक ही नहीं, इतने है क्या है अपने को, बस वो सामने वाले का इंटरेक्शन मिलना चाहिए। तो कभी कभी इंटरेक्शन करते करते किसी ने कुछ आंसर दिया, कुछ पॉइंट बोला, तो मैं बोला अरे झुमका, अभी अभी ये क्या शब्द बोला, झुमका ढूंढते, अभी आप बोले झुमका ढंग है क्या। तो मैं आपको बता दूं, देखो मेरी मेरी बेटी है, मेरी बेटी 12 साल की है। तो उसको मैं मतलब रितिका नाम है उसका, मैं उसको रितिका कभी नहीं बोलता, उसको बोलता ये झंटी क्या कर रही है, चली जा। तो इट इज आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन मैं ऐसे बोलता हूँ। तो वो ऐसा होता है ये झंटी क्या कर रहा है, तो ऐसा मेरे शब्द निकल सकते हैं। यानी अगर लास्ट 5 मिनट देखो तो मैं खाली मेरे शब्द बता रहा हूँ। लॉ तो छोड़ दो, लॉ को बाद में अडॉप्ट करते हैं। लॉ को मैंने क्या बोला, 3 चीजें मैं आपको तोड़ करके देता, एकदम भारी करके देता। पहला पॉइंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा पॉइंट रिकॉलिंग पॉइंट, एंड तीसरा पॉइंट लिखने का पॉइंट। ये 3 के अलावा आपको और क्या चाहिए मेरे को बताओ। खत्म हो गया, यानी अल्टीमेटली क्या होगा, मार्क्स। और मार्क्स आ गए तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंटर में जाएगा, और इंटर में जाएगा तो वापस मेरे पास ही आएगा। लॉजिक सिंपल है। तो यानी आप समझो यार, आपका करियर मतलब आपसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कभी कभी ऐसा मैंने क्वेश्चन बोल दिया, तेरे को बोला, तो तू ऐसा मत करना, मेरे को तेरे को बोला, बाहर मिल दिखाता तेरे को। नहीं भाई, अपने को क्राइम पेट्रोल का एपिसोड नहीं बनाने का, मालूम पड़ेगा फ्राइडे का क्राइम पेट्रोल का एपिसोड मुंबई से फैकल्टी आया, उसकी हत्या का नाम है। मां का नाम ये हो जाएगा भाई, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेना देना नहीं। और हुआ भी है, मालूम है क्या, मैं तुमको बता रहा हूँ, सच्ची में बता रहा हूँ। और अगर आप देखोगे ना, मैं आप सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं तो ये मैं पहले बोलता था बच्चे लोग को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो
पढ़ो पढ़ो बनना है कुछ। ओके मैंने देखा, फिर एक दिल्ली में एक फैकल्टी है, ओके प्रोफेसर था, प्राइम पेट्रोल नहीं देखा है, फ्राइडे का एपिसोड था। दिल्ली में एक प्रोफेसर है, पढ़ा रहा था बच्चों को कॉलेज में, प्रोफेसर और पढ़ा रहा था, दो बच्चे थे जो अपनी अपनी जिंदगी जीते थे। हाँ, आगे क्या मालूम उनकी जिंदगी कैसे चल रही थी। उसने उनके पापा को कंप्लेन कर दी, और दोनों बच्चों का दिमाग खराब हो गया, दोनों गए उसके घर पे, किसके प्रोफेसर गया, और प्रोफेसर गया, पैसे अपने डिसाइड किया, तुमको जो करना है करो भाई, मेरे को कोई कंसर्न नहीं भाई। जोक सवाल, ओके बट नेवरथलेस मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो कभी कभी बाई चांस मैंने आपको तू बोला तो इसका कसम से बोला, भगवान कसम, ओके मेरा कोई इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ओके देयर इज नो कॉन्सेप्ट। और बेइज्जती क्या, अरे मैं मेरी बेइज्जती करता, ले भाई छोड़ो, मैं वैसे बॉडी देख के काम करता हूँ, वैसे मैं बता दू, मतलब डिपेंड ना कौन, अभी उसके साथ कौन लड़ेगा वो देखो, मतलब ये अभी मैं इधर लड़ा माँ कसम के बाहर गया तो मैं तो उसके बाजू वाले और रेड वाले को कि मैं मार कसम, तू जो है ना मार कसम देखता मैं तो तुम्हें वेरी प्रिसाइज। अगर आप देखोगे तो ऐसे वर्डिंग में, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जस्ट मैं टू मेक वेरी सिंपल अ वेरी थिन लाइन विच आई नीड टू कम्युनिकेट, ओके आप है ना मेरे से क्या लेने की कोशिश करिए, जिस पर्पज के लिए आप इधर आई है, ओके दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ लॉ। तीन चीजें आपको जो चाहिए वो तीन उठाइए, बाकी मेरी लैंग्वेज को छोड़िए, ओके मतलब ऐसा अरे कैसे बोल रहा है ये, कैसे ये क्या कर रहा है। आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट तोड़ होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए, आपको बुक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बुक बंद होने के बाद पूरा लॉ याद आ जाना चाहिए, खत्म स्टोरी, इससे ज्यादा तेरे को क्या चाहिए। ओके बट हाँ, इस केस में मैंने क्या बोला, तेरे को मिर्च मसाला मिलेगा, मिर्च मसाला मतलब मैंने बता दिया, मतलब लास्ट 10 मिनट में मैंने बता दिया, और शायद आप समझ भी चुके होंगे, मतलब मैं कैसे गए हो, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब जो मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, जो ऑल टुगेदर जाते हैं, वो स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, ओके इसका भी मेरे को हाय हेलो कोई नहीं करता, मेरे को सीधा बोलते हैं तोड़ कैसा है, मान लो तोड़ ठीक है, तो अपनी कहानी किससे आती है, तोड़। तो मालिक कुछ कारणवश जैसे विना सर का अपडेट है, विना सर बोले भाई मैं बोला पहले मेरी मतलब बिकॉज ऑफ लिगामेंट है और मल्टीपल एलिमेंट्स है तो अपनी हालत थोड़ी सी है, बट ठीक है, मैं बोला चल भाई ओके, बिकॉज दो चीज है, एक लॉ की जो बात करें तो क्या सब्जेक्ट है, कैसे लॉ होता है, ओके उसके ऊपर मतलब मेरे को अभी अभी हाल फिलहाल डिस्कस नहीं करना, मतलब आप मेरा फॉर्मेट समझ लीजिए, क्योंकि जब आप न्यू सिस्टम में एंटर कर रहे हो, सिस्टम बोल रहा हूँ मैं पूरा, बिकॉज आपका पूरा दिन का सिस्टम अलग था, ओके अभी इधर आ रहे हो वहां सोच रहे कौन, तो सोच रहे क्या आदमी है, तो सच्चे में इंसान है ना, कोई तो काका पूछ रहा काका बड़बड़ कहा कि गेला, तो भाई लॉजिक ऐसा है, अपन सारी चीजों को समझने के लिए ना, ओके लॉ में मेरा जो स्कोप है वो दो एक्ट की तरफ है, वैसे देखा जाए तो लॉ में आपके पास टोटल 5 एक्ट कवरेज में है, मैं आपको लॉ में सिलेबस में कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं खाली सिलेबस में थोड़ी देर बाद लिख जाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्कोप बता दूं, आपको आइडिया आ जाए अपने को क्या पॉइंट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, स्ट्रक्चर क्या लगेगा, जस्ट एक डिटेलिंग पॉइंट आउटकम है सच। तो आपके CA फाउंडेशन के सिलेबस में जो कि December 23 से एप्लीकेबल है, मतलब अभी 23 ना दिसंबर या नवंबर 23 जब भी एग्जाम हो आइदर ऑफ इट, ओके आपकी जब भी एग्जाम हो क्योंकि आपकी पहली एंट्री की एग्जाम है, अभी तक तो उन्होंने 10वीं क्लियर किया, 10वीं क्लियर होने के बाद अपने को बहुत अच्छा फीलिंग आया, अपने को लोग अपनी लाइफ सेट है, ओके याद करो ना 10वीं 10th में सब लोग घर वाले ने क्या बोला था, आखिरी बार पढ़ ले, बता मेरे को आखिरी बार बोला था कि नहीं बोला था, पापा मैंने घर पर बोला था सच्ची बोला, ओके मेरे को तो 12वीं में भी तो वाटी लग रही, वापस नहीं बोला, मतलब मेरे ख्याल से बेसिकली आपका शायद कोविड का बैच होगा, हाँ तो मजे थे, क्या पढ़े थे मजे किए, लेकिन अगर देखा जाए तो 10th में अपने को ऐसा बोला जाता है कि 10th पढ़ ले आखिरी बार करियर सेट हो जाएगा, फिर बोला जाएगा 12th पढ़ ले आखिरी बार करियर सेट हो जाएगा, अभी आपको ये बोला जाएगा CA फाउंडेशन पढ़ ले करियर सेट हो जाएगा, जैसे CA फाउंडेशन क्लियर होगा बोलेगा इंटर पढ़ ले करियर सेट होगा, फिर बोलेगा भाई फाइनल पढ़ ले CA बन जाएगा, फिर आदमी बोले शादी कर ले और सेट हो जाएगा, फिर बोले बच्चे कर ले तो सेट हो जाएगा, फिर एक दिन बोले मर जा साले सेट हो जाएगा, अपनी ह्यूमन बींग की जिंदगी कैसी है भाई, शुरुआत होती है ये कर 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 जिंदगी कर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना अपनी लाइफ में जो सबसे इंपैक्टफुल चीज है, दैट इज कॉल्ड मेक श्योर यू आर ऑलवेज एंजॉय योर लाइफ, मैंने ऐसे एंजॉय योर लाइफ इसका मतलब नहीं कि भाई डीजे में जा पार्टी में जा, ये कच्चा बादाम मेरा कच्चा बादाम कच्चा बादाम कच्चा बादाम, तो समझा एंजॉय मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी राइट नाउ आपका टाइमिंग क्या है, सुबह कितने बजे बैठ रहे हो भाई,
10 बजे से बैठ रहे हो, 10 बजे तक आप ऑलमोस्ट शाम तक 5 बजे तक बैठ ही रहो, ओके, ऑलमोस्ट तुम्हारे 7 घंटे लाइफ के दिन के ऑल टुगेदर क्लास में निकल रहा है। इनिशियल इनिशियल अपने को स्टार्टिंग में लगता है भाई यार बहुत मेहनत करनी है, अपन ड्रीम रखते हैं, अपन विजन रखते हैं एग्जामिनेशन की तरफ, और अचानक जब ये कंटिन्यूशन में आता है ना, कंसिस्टेंसी की बात आती है ना, अपनी लग जाती है। तो प्रायोरिटी बना, सबसे पहले एक चीज एकदम क्लियर रखो, और जो मैं आपको मैं मतलब एकदम क्लियर हूं, क्योंकि लॉ में, और शायद मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, मतलब आई मीन नॉट बी अवेयर अबाउट इको, इको अपन को ज्यादा उससे अपन दूर रहता है, ओके, यानी प्रशांत सर से वैसे भी मैं बहुत बहुत दूर रहता हूँ, अगर प्रशांत सर के सब्जेक्ट से तुम्हारी फट्टी फट्टी है, फाउंडेशन में फट्टी है, इकोनॉमिक्स में, इंटर में, एसएम में फट्टी है, फाइनल में तो एसएफएम ने मेरी मारी है, मतलब ऐसा सब सब ऐसे उनके जो सब्जेक्ट पढ़ाने के ना, वो कैसा आदमी है पढ़ाता है भाई, तो इको को छोड़ दिया। बाकी मैं आपको बताऊं, मतलब अकाउंट्स हो गया या मैथ्स हो गया, अब फिर मैं क्या बताना चाहता हूँ समझिए, टेक्निकली वहां पर आपको एक लेक्चर हुआ जिसमें कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद वापस हुआ, फिर आपको मालूम है बैलेंस शीट तो ऐसे ही बनानी है, फिर खाली एडजस्टमेंट चाहिए, यानी अगर एक लेक्चर का प्लस माइनस रहा तो उसमें आपको क्या सीखने, मतलब एक एडिशनल क्या मालूम पड़ेगा, एक पॉइंट एडिशनल आएगा या एक पॉइंट एडिशनल होगा या एक पॉइंट एडिशनल होगा, लॉ में ऐसा है ही नहीं, लॉ में आपको हर एक लेक्चर पूरा पूरा नया रहेगा, ऐसा नहीं कि पहला लेक्चर आपने देखा अरे यार आज का देखा, अभी ये बेस रेडी हो गया मेरा, अभी यार 3 लेक्चर 4 लेक्चर हो गए, 5 लेक्चर हो गए, उसके बाद मतलब भाई यार ठीक है ना, 1 लेक्चर प्लस माइनस हो गया, ठीक है दिख लेंगे अपन बाद में, ओके, ऐसा नहीं है, लॉ में अपने को एवरी लेक्चर विल बी न्यू लेक्चर फॉर यू, मतलब ऐसा अगर एक लेक्चर मिस हुआ तो आप ये समझ लेना, ऐसा नहीं होगा कि भाई यार एक आध एडजस्टमेंट मिस हुई, एडजस्टमेंट मिस नहीं होगा, पूरा नया कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, ओके, और ये मतलब देखो जब अपन ये पॉइंट बात है, आई अनडाउटफुली मतलब ये बैच परमिशन कॉम्बिनेशन जैसे भी पॉइंट पे अपना, मेरे ख्याल से सबको मालूम है लॉ का अपना फर्स्ट लेक्चर है, अपना पहला दिन मुहूर्त, शुभ मुहूर्त चालू है आज, तो मैं आपको ये शुभ मुहूर्त के कंटेक्स्ट में ये बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट लाइफ का क्या होता है मालूम है क्या, ओके, मोटिवेशन हो या ना हो कंसिस्टेंट रही है, अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ मेरी मेरी पूरी गारंटी गारंटी दे रहा हूं मैं 101% जिस दिन अपना लॉ मतलब अपन वो एंड, भाई मैं तेरे को 3 लेवल क्लियर करके दूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्सेप्ट तोड़, ओके, रिवीजन तोड़, लिखने का तोड़, ये 3 लेवल क्लियर करके दूंगा, लेकिन कंडीशन एक ही है, तेरे को कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है एंड मोटिवेशन मतलब क्या होता है, और मैं शायद आई मे बी टेकिंग मतलब दिस पॉइंट एज ए प्रोबेबली आपका लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मेरा काम है क्योंकि जब मेरे फॉर्मेट में आ रहे हो तो ये चीज बहुत समझो, आई एम वेरी हैप्पी ओनली विथ कंसिस्टेंसी नॉट विथ मोटिवेटेड, मोटिवेशन हर दिन प्लस माइनस होता हुआ, देखो आप खुद देखो कभी किस दिन क्लास आने में बहुत मजा आता है आपको, भारी भारी भारी, भारी। सुबह उठने के बाद असल का तो कांड है भाई, कल आपको सोते वक्त सोचा होगा नहीं भाई अगले दिन तो कांड भी करेंगे अपन, ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है यार क्यों कर रहा हूं ये, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट आई एम डूइंग, अरे हर टाइम अपन पढ़ाई कर रहे हैं, हर टाइम ये कर रहे हैं, अपनी लाइफ का क्या है, कोई अपना दोस्त होगा जो ऑल टुगेदर तुम्हारे साथ 11th 12th दिया होगा, उसकी लाइफ अपनी जीरो होगा, जो सीएम नहीं घुसा होगा, कोई आप किधर डिस्कशन में जाओगे कोई प्लस माइनस कुछ बोलेगा, ऐसा सब फैक्टर आएगा, किस दिन आपको लगा मोटिवेशन है, वो डीमोटिवेशन मोटिवेशन ये प्लस माइनस होता रहता है, क्या कंटिन्यू रखना है अपने मालूम है क्या, कंसिस्टेंसी, अपने को अगर किस दिन मजा नहीं आया ना, इसका मतलब अपन छुट्टी मारना या अपन को जाने देना यार बाद में देख लेंगे ना, ये एटीट्यूड है ना, ये चेंज करना चाहिए आपका, जो प्लस माइनस हो, ओके, आप मोटिवेटेड हो ना हो, और ये आपने कंटिन्यूशन में क्लास बराबर करनी चाहिए, कंटेंट बरोबर करना चाहिए, फ्लो बरोबर करना चाहिए, एंड आई बेट अगर आप ये चीज कंसिस्टेंटली कोई भी चीज करते हो तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि आप है ना राइट नाउ आई डू थिंक एवरीबडी वुड एग्री यू आर राइट नाउ एंटरिंग फर्स्ट टाइम इनटू सम डिफरेंट एग्जामिनेशन, 10th का एग्जामिनेशन बहुत अलग था जिसमें पापा मम्मी पूरा संभाल लेंगे, 12th में गए ओके दोस्त लोग बहुत संभाल लेते हैं, सीए होने के बाद ना कोई संभालने वाला है ना कुछ करने वाला है, सिर्फ अकेला तू है जो तेरी लड़ाई लड़ेगा और अल्टीमेटली उसको अचीव करेगा, तो अगर आप मेरे फॉर्मेट में बैठ रहे तो सबसे पहला पॉइंट ओके अपने को क्या मेंटेन करना जरूरी है, ओके ये चीज एकदम तोड़ ध्यान रखिए, एंड दैट इज कॉल्ड आई एम वेरी क्लियर विद माई वर्ड दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, यानी सर मेरे को एक चीज एकदम एकदम एग्री पॉइंट में रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट मतलब समझना है, जिस दिन आपको लग रहा है नहीं भैया मन ही नहीं कर रहा था आने का, मन ही नहीं करा कुछ परमिट नहीं जान गया, आपके मन छोड़ दे दुखी तर और एकदम घर वालों का कुछ एकदम भारी फंक्शन चल रहा है, उधर वो कच्चा बदम खा रहे हैं और तो इधर कच्चे बदम खा रहे हैं,
वैसे परमिशन और कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, बट तू मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट विद योर कंटेंट इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स. इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स. फ्यू मंथ्स बहुत अच्छे से निकाल दिए भाई, रिजल्ट बहुत अच्छा है. मैं आपको ये बोल भी नहीं रहा कि भाई यार एकदम मतलब सीए फाउंडेशन क्लियर है, लाइफ सेट है. लाइफ सेट होने के लिए सीए बनना जरूरी है. सीए बना फिर अपन बोल सकते हैं हाँ भाई यार एजुकेशन वाइज लाइफ सेट है. उसके सामने आपको कोई कुछ बोले सीए का क्या, कोई डिस्कशन नहीं. बस पहला पॉइंट ये रखिए. दूसरा पॉइंट एकदम क्लियर पॉइंट है मेरा, जो भाई मेरे टीचिंग में एंटर कर रहे हो भाई, इंटरैक्टिव जब तक नहीं रहोगे, यानी मैं आपने सवाल पूछा आपका काम होगा सवाल का आंसर देना. रिपीटेशन मैटर्स. मेरे इसमें रिपीटेशन काफी है. रिपीटेशन मतलब ऑल टुगेदर रिपीटेशन की बात करें. गया क्या बैटरी? आ रहा है. हेलो हेलो, आ रहा है ना? हाँ मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा है क्योंकि मेरे कारण तो वैसे बच रहे. हेलो हेलो, माइक नहीं रहा तो भी अपन आवाज दे सकते. कोई ऐसा इसे इसी वजह से बहुत भारी आवाज ऐसा नहीं है, अपनी आवाज ही भारी है भाई. आवाज आ रही क्या? भारी आवाज है. जो मैं बोल रहा हूँ सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन. जो इंटरेक्शन में जो मैंने बोला आपको, क्या अपने को तीन चीजें करनी है. ओके मेरे ख्याल से सबको ये मालूम है अपने को सीए फाउंडेशन में कितने पेपर उसमें से अपने दो पेपर अपने सीक्यू है और दो पेपर डिस्क्रिप्टिव है. दो पेपर कौन से एमसीक्यू है? मैथ्स और इको. ये दोनों एमसीक्यू है, यानी वर्स्ट केस नापति. बाई चांस विनो सर ने देख लिया ना मारेंगे. बट टू बी वेरी प्रिसाइज, चार पेपर है जिसमें से आपको मालूम है मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ये दोनों आपके एमसीक्यू है. यानी उसमें आपको है ना एप्लीकेशन या थियोरी ड्राफ्ट करना, ये आपका कैसा राइटिंग स्किल्स है मैटर नहीं करता. लेकिन अकाउंट और लॉ अलोंग विथ इंग्लिश बीसीआर जो भी आपका इंग्लिश वाला पोर्शन, ये दोनों में आपको लिखना पड़ेगा. अकाउंट्स में लिखने की बात करें तो रेदर देन अकाउंट्स में लिखने से ज्यादा बनाना ज्यादा है. नाले बनाना नहीं है, अपने अकाउंट बनाना ज्यादा है. तो यानी वहां पर आपका लैंग्वेज क्या है फर्क पड़ता है क्या? नहीं है. एक पेपर ऐसा है जिसमें आपका लैंग्वेज इंपैक्ट होगा, आपके मार्क्स इंपैक्ट होंगे. एंड दैट इज डेफिनेटली दिस बोथ पेपर, मतलब लॉ बोलो इंग्लिश बोलो दोनों के किस में ऐसा ही है. आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई डन. तो अपने को ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है, यानी अपन को लिखते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है. पहला पॉइंट हमको इंग्लिश का ध्यान रखना है. मैं इंग्लिश पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉ की बात कर रहा हूं, लेकिन अपने को इंग्लिश का ध्यान रखना है. और दूसरा पॉइंट उसके स्पेलिंग का. आपका पिछला पॉइंट मेरे को कोई कंसर्न ही नहीं है किसी का बैकग्राउंड, क्योंकि कोई बैकग्राउंड से जज ही नहीं किया जा सकता मालिक. आपका क्या बैकग्राउंड है, मतलब मेरी बैकग्राउंड सुनो तो आपको कहीं नहीं समझो, आपको लगे ही नहीं भैया आदमी पढ़ सकता भी है. अपने बैकग्राउंड को कोई कंसर्न ही नहीं है. बैकग्राउंड और एक्चुअल ये चीजें बहुत अलग होती है. तो अभी अपन सीए में घुस गए, घुस चुके हैं, अपन सीए को कम्युनिकेट कर चुके हैं, अपन अपने आपको प्रॉमिस दे चुके हैं कि बस अपने को ये क्लोज करना है. अगर ये क्लोज करना है तो इसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया है. तो ये क्राइटेरिया में से अपने को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है जिसमें दो पेपर है, जिसमें अकाउंट्स में ओके अकाउंट्स बनाना रहेगा लेकिन लॉ में अपने को लिखना होगा. लिखने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब तक दो चीज नहीं आई, मतलब ड्राफ्टिंग ऑफ सेंटेंस एंड दूसरा कीवर्ड्स. कीवर्ड मतलब क्या? ओके स्पेलिंग. अपने जैसा एज वर्ड सबको लिखने को आता है, लेकिन लॉ के कुछ नए वर्ड्स आ गए नहीं आ गया, कहानी खत्म है. अपन के बहुत सारे लॉ जैसे भी आते हैं, लॉ कहां से आए क्या वो डिस्कस करोगे तो आपको समझेगा. आज तो लैटिन से उठाए हैं. अब लैटिन के अगर उधर क्या वर्ड यूज करेंगे और वो कंटिन्यू वर्ड अपने को यूज करना है और वही वर्ड को ध्यान रखना है स्पेलिंग के साथ में, तो अपने को एफर्ट्स उस पर करना पड़ेगा. तो आपको ध्यान रखना है इंटरेक्टिव, मैं दो सेंस में बात कर रहा हूँ. पहला इंटरेक्टिव ओके, मेरा क्वेश्चन ऐसे चलेगा, क्वेश्चन ऐसे मतलब इंटरेक्टिव चलेगा, भाई ऐसा हुआ ऐसा ऐसा है आप बताओ क्या करना चाहिए, ये तो अपने को समझ में आ गया. लेकिन दूसरा इंटरेक्टिव होता है जिस चीज को वर्डिंग्स को याद रखना. अगर मैं लॉ का लैंग्वेज बोलूं या उसका कंटेंट बोलूं उसको याद रखना, तो मेरे रिपीटेशन ज्यादा होता है. रिपीटेशन समझ में आ रहा है? रिपीटेशन रिपीटेशन मतलब जब मैं रिपीट. अब मैं आपको बता दूं रिपीट मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे को बहुत थोड़ी आता है. तो अभी भी कोई बुक का पेज निकाल मैं बता दूं उस पेज के कॉन्सेप्ट क्या पॉइंट है, उसकी कोई क्या लाइन है, ये थोड़ी याद है अपने को. अपने को थोड़ी भाई बहुत तोड़ ब्रेन है. लेकिन तो रिपीटेशन मैं किसके लिए कर रहा, तो किसको करना जरूरी है?
आपको वो करना जरूरी है। यू ना अगर आप में से कोई जो ये जज करेगा सर मेरे को तो बहुत अच्छे से आ गया, अभी मेरे को नहीं लगता कि मेरे को रिपीट करने की जरूरत है, तू डिसाइड मत कर, मेरे को डिसाइड करने दे रिपीट करने की जरूरत क्या है। आपका काम समझ आ रहा है रोल, तो इंटरेक्शन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो जब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ ओके और कुछ इंटरेक्शन कर रहा है उसका आपको इंटरेक्शन करना है ओके, ये ध्यान रखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और रिपीटेशन जब आएगा, रिपीटेशन आएगा अगर आपको लगा कि भाई यार रिपीटेशन बहुत हो गया है तुम्हारे एंगल से, तुमको याद हो गया है फिर भी उसको रिपीट करना, क्योंकि यू आर इन मंथ ऑफ मई जून जुलाई अगस्त एग्जामिनेशन, तो डू यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर ब्रेन दैट आफ्टर जून इन डिसंबर यू कैन रिकॉल एवरीथिंग? नहीं है बहुत, अरे भाई इतना ब्रेन पे विश्वास रखो तो बहुत, तो ब्रेन पे विश्वास नहीं, अपने को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिससे अपने को सारी चीजें याद आए। दूसरा पॉइंट इंटरेक्टिव, इंटरेक्ट का दूसरा फायदा क्या है? दो फायदे में से एक पहला फायदा तो मैंने आपको बता दिया कि भाई यार इंटरेक्ट करोगे तो अल्टीमेटली आप कुछ दिमाग लगा पाओगे, और दूसरा फायदा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो अपनी क्लास खत्म हो गई है, मेरे ख्याल से डिसंबर के एग्जामिनेशन के लिए आपकी क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आपकी पढ़ाई रहेगी, ये एवरीबडी एग्री, और आपको मालूम है सीएमए पढ़ाई करनी पड़ती है, होती नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तो जब पढ़ाई करनी पड़ती है तो आप एक टाइम टेबल बनाओगे, आप एक फॉर्मेट बनाओगे, आप सारी चीजें स्ट्रक्चर बनाओगे, वो सारे स्ट्रक्चर में कभी 19-20 हो गया, अपने पास एटलीस्ट एक पेपर ऐसा होना चाहिए जो 19-20 का एडजस्टमेंट ऑफ टाइम ओके वो कवर कर ले। मैं आपको ये बता रहा हूं लॉ मैं गारंटी देता हूं ओके, इसके लास्ट में आप बोलिए कितने दिन में खत्म करना है, मैं उतने दिन में खत्म करके देता हूं, आप बताइए आप अपना टाइम लेवल बताइए ओके। आप यही पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो आप एक एक एक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब मैं आपको घंटे घंटे बोल रहा हूं, एक एक घंटे में पूरा तो ए टू जेड का रीडिंग करके खत्म करता मैं, तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपने ये कब होगा जब क्लास में ये सेकंड वाला पॉइंट तुमने कवर किया, इंटरेक्ट रहा तो जब तुझे याद करना रहा तो यू कैन सेव टाइम इन दिस सब्जेक्ट एंड यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम इन अदर सब्जेक्ट्स। एंड राइट नाउ आज तो बोला सर मेरे पास तो फुर्सत का टाइम है, 5 बजे के बाद घर पे गया, मैं जिंदगी जी रहा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगले दिन उठ के आ रहा, सैटरडे संडे में अपने लिए जी रहा, लेकिन तेरे को लग रहा है नवंबर में सैटरडे संडे तेरे लिए जिएगा तो इंस्टीट्यूट के लिए जिएगा, कौन सी इंस्टीट्यूट? आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पे जब उसके लिए जिएगा ना तो अपने को टाइम की कमी होगी, और टाइम की कमी कौन एडजस्ट कर पाएगा? लॉ। आई बेट मैं ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब पे भी जा रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं बोल बच्चन दे रहा तुम्हें ओके, तुम भाई सूट फाइल करना लॉ में ओके, तो लॉजिक में आपको समझा रहा हूं, तो आप बस आप इंटरेक्ट करते रहिए ओके, कंडीशन क्लियर है। मैं जब ये आउटकम बोल रहा हूँ कि 3 चीज आपको चाहिए तोड़ ओके, आपको कॉन्सेप्ट तोड़ चाहिए ओके, रिविजन तोड़ चाहिए मतलब रिकॉर्डिंग पॉइंट तोड़ चाहिए, और लिख के तोड़ चाहिए, ये 3 तोड़ के लिए मैं जो कंडीशन है वो बता रहा हूं, तो पहली कंडीशन कंसिस्टेंट रही है, दूसरी कंडीशन इंटरेक्ट रही है, और तीसरी कंडीशन मेरे को बताओ लिखना कब आएगा? जब लिखेगा ऐसा तो ना भोग लेगा, आंसर लिख लिया, ऐसा तो होगा नहीं मालिक, तो अपने वो क्या चाहिए एडिशनली तीसरी चीज ओके, अपने को ओके हैंड रिटन नोट्स ये अपने को बनाने रहता है, ये मेरा परफॉर्मेट हर जगह रहता है, हैंड रिटन नोट्स, यानी आपको एक एडिशनल चीज है कल से कैरी करनी है ओके, वो है एक नोटबुक फॉर लॉ ओके। अपन और एक चीज क्लियर रखिए, अपना बाइबल कौन है? अपना बाइबल मतलब अपन जिसको बेस बनाते हैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल मानो सबको ना, तो इंस्टीट्यूट मॉड्यूल होगा बेस है मालिक, उसको छोड़, अरे उसको छेड़ा तो आई से छेड़ गया, उसको छेड़ने का नहीं, यानी अपनी बेस अपन जो भी बुक बनाएंगे जो भी बुक यूज करेंगे वो किसका बेस है? सारा का सारा ए टू जेड में लिख के खत्म कर देगा, तो आपका पूरा पूरा डेटाबेस, यानी पूरा डेटाबेस मतलब पूरा डेटा लॉ का किसमें आ जाएगा?
नोटबुक में, बस वो लोग मतलब जिसमें मेरा स्कोप दो चैप्टर में कवरेज है अभी, और टू बी वेरी प्रिसाइज, मतलब दो चैप्टर का कवरेज, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा और एक कंपनीज एक्ट, जो एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड होंगे आपके सीए इंटरमीडिएट में। ये दोनों सिलेबस वापस सीए इंटर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अनडाउटफुली आपने शायद ये सुना होगा न्यू सिलेबस आएगा, वट एवर, वो जब तक नहीं आता तब तक अपन कुछ डिस्कस करेंगे, बेवकूफी है। एंड टू बी वेरी सीरियस, मतलब प्रिसाइज, ओके, अगर जो भी न्यू सिलेबस आएगा उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट होगा देखेंगे अपन, क्या टेंशन है। पर जब तक कुछ होता ही नहीं है, डोंट गो ऑन यूट्यूब कच्चा बादाम वीडियोस। यूट्यूब तो क्या है, यूट्यूब तो अवेलेबल ही है, खाली मेरे को क्या, मैं अभी भी एक ऐसा कुछ करूं और डाल दूं न्यू सिलेबस अपडेट और मैं लिखूं ओके न्यू सिलेबस अपडेट आने वाला, इंतजार करिए आज का वीडियो नंबर वन। कल इंटरनल सोर्सेज से मुझे मालूम पड़ा वो न आने वाला है, प्लीज ध्यान रखिए, रुकिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज। वीडियो नंबर टू, तो पता है ना सिलेबस का इंफॉर्मेशन मिल चुका है। वीडियो नंबर थ्री, बस यही चल रहा है और कुछ चल नहीं रहा है। तो अपन कब तक किसकी बात सुनने की, ये वीडियो की या आईसीए की वेबसाइट की? तो जब तक आईसीए का अपडेट नहीं आता तब तक हेडेक करने का नहीं, तब तक आपका सिलेबस यही है, इतना पॉइंट क्लियर। और जो भी था उसके बाद जो भी अपडेट रहेगा तो मतलब तुमसे ज्यादा मैंने तुमको क्या बोला भाई, ओके तुम खाली इधर के पॉइंट के लिए लॉ के लिए थोड़ा ना मिले हो, अपने को जिंदगी को आगे लेके जाने का। तो बढ़िया अमेरिका जी, आपको तीन कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई, तीन कंडीशन आपको क्या फॉलो करनी है, पहली कंडीशन कंसिस्टेंसी रहेगी, दूसरी कंडीशन बेटा, तीसरी कंडीशन, अब हैंडल का नोट्स में आप कौन सा पेन यूज करते हो, कौन से कलर का पेन यूज करते हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ऊपर, तुमको कैसी बुक बनानी है तुम्हारे ऊपर, बस मैं जो बोल रहा हूँ सबके सब लिखा हुआ बुक में होना चाहिए, हैंड राइटिंग डिसेंट, ओके, मतलब ऐसे नहीं है, ओके सर ये क्या लिखा है, इंटरेक्टिव ना, के समझ में ऐसी राइटिंग मत करना, क्योंकि वो हैंडरिटन नोट्स मैंने क्या बोला, अपने को बेस किसको बनाना बेटा, तुम ये चीज समझ लो कि अपने को रिवाइज करना, अपने को जब अपनी चीजों से अपन अच्छे से अपने हाथों से लिखते हो ना तब अपने को चीजें अच्छे से याद रहती है। और देखो एट द एंड ऑफ द डे तुम 10 बजे से बैठे हो, तुम शाम के 5 बजे तक बैठ रहे हो, फिर मेरा मतलब अभी जो लेक्चर का टाइमिंग है ये 4 से 5 ही मेरे को मतलब यही पॉइंट है, क्योंकि दूसरे बैचेस शेड्यूल के पॉइंट पे, पॉइंट एकदम क्लियर रखो, 4 से 5 इसमें अपन जो बैठेंगे अनडाउटफुल कहीं ना कहीं, और ह्यूमन बींग का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है। वट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सुबह से चालू होता है बहुत अच्छा रहता है एक्टिव, दोपहर को आते आते तेरा पेट ऐसा बोलता है बस 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 बस, खाना खाने के बाद तेरा पेट बोलता है बस, फिर खाना खाने वाले वाले लेक्चर में तो जैसे एंड हो लेकर, तो जो प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है, आई डू थिंक एवरीबडी वुड एग्री, ओके ये चीज सब लोग एग्री करेंगे, भले वो तुम ऐसा बोलने के लिए तुम ऐसा बोल सकते हो सर ऐसा तो मैं नहीं करता, ऐसा तू बोलने के लिए बोलेगा लेकिन ऐसा होता ही है, तू बैठा हुआ है ओके एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है लेकिन तेरी आत्मा कहीं और चली गई है, तेरी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ गई है, तेरी आत्मा किधर वो मारो किधर तो जा ओके ओके वो पता करके आई है कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ओके भविष्य पता करके वापस पूरी आत्मा इधर आ गई कि अपन सीए होने के बाद किधर पहुंचने वाले, फिर तेरे को लगेगा माँ कसम इधर ये, फिर तेरे को ऐसा लग रहा है एक दिन यही ये मैं पूरा मैं खरीद लेगा, मैं इधर पढ़ा रहा लॉ का क्या होने वाला है ये खरीद के रह लेगा, ठीक है सर ओके डन। अब इस पॉइंट में क्या है, ये गलत बात है, नहीं ये बन गई है जानी चाहिए बड़ा आत्मा, अरे नहीं जाएगी तो पत्थर सब कहलाएगा तू, आत्मा इधर उधर जाती है तब ह्यूमन बींग कहलाता ना, जिसकी आत्मा इधर उधर जाती नहीं है भाई जिंदगी में कुछ है क्या नहीं, मेरे बताओ जब आत्मा इधर उधर गई, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉन्सेप्ट चला गया अगले पॉइंट पे आया अपन सपोज ओके रिवीजन में तू रिवाइज कर रहा है, तेरे को मालूम नहीं पड़ रहा क्या पॉइंट था, तो एक पॉइंट पे कवर हो जाता जब लिखते है तो ये पॉइंट पूरा कवर हो जाता, तो लिखने का पॉइंट और क्या फॉर्मेट हो जाता है रिवाइज हो जाता है। आप बोलोगे सर क्या इसमें एक्सपोनेंशियल टाइम जाएगा, आंसर इज नो, इंक्रीमेंटल टाइम जाता है, इंक्रीमेंटल मतलब ओके इट विल टेक अ टाइम, क्योंकि लिखना रहा आप एडिशनल लिख रहे हो अभी एकदम सिंपल अभी रखते हैं, अगर आप इधर नहीं लिखोगे इधर जाके लिखना पड़ेगा, लिखना तो आपको बना नहीं, अरे भाई तो खाली पढ़ के नहीं होता भाई लॉ, क्योंकि पेपर डिस्क्रिप्टिव है लिखना पड़ता है, अगर लिखने के लिए अपन खाली सर टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक ऐसे किसी को सॉल्व कर ले वो लिख लेंगे, अरे वो लिखा तो फिल्टर ऑफ क्वेश्चन लिखेगा, सारा आंसर लिखने को कैसे आएगा, इसके लिए अपने को सारा अपडेट करना पड़ता, भारत माता की जय मालिक, समझ में आया एवरीबडी, ठीक है।
दो डिग्री आपके लिए बहुत टोट रिलेवेंट है, पहली तो सीए की डिग्री, जो रोल सीए को बढ़ रहा है तो सीए की डिग्री है, और दूसरा है सीएस की डिग्री। ये दो डिग्री जो आपके रिलेवेंट डायरेक्टली रिलेवेंट में है, जो लॉ एंड रेगुलेशन के काम की है। सर क्या आप रैंक होल्डर थे आपका क्या? कुछ नहीं भाई, अपन झूठे अपन थे। ओके, टेंथ में जिस बंदे को 55% आया वो मैं था। ओके, टेंथ के बाद मुझे सीए नहीं करना था, मेरे को जाना था जो आपको समझ में आ गया होगा, एक्टिंग फील्ड में। ओके, मुझे जाना था सीधा सिंपल सा लॉजिक, किसमें जाना था? एक्टिंग में। ओके, मेरे बापू ने जाने नहीं दिया, बापू मतलब गांधी जी नहीं, नहीं ये बोलेगा साला बापू से मिले, ये वहां के समय साला बापू तो 1947 में आजादी मिली के बाद, तो मैं अपने पप्पा को क्या बोलता हूँ बापू, और मेरे फॉर्मेट है बापू बापू बापू, तो मेरे बापू ने बहुत बोला, और उसका कारण भी यही कि मेरे बापू भी सीए है, तो उनकी अलग ही पसंद है, उनको सीए से क्या पसंद है भगवान जाने। ओके, उन्होंने मतलब उनको उनका बस चले तो पूरी इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड में सीए बनाते हुए, मतलब नहीं एक बस एकदम बता रहा हूँ, मतलब मेरा भाई सुमित यंगर ब्रदर, ओके बीएससी के बाद केमिकल इंजीनियरिंग गया। ओके, उसको बाइक चाहिए थी, पापा को बोला बाइक चाहिए, पापा ने बोला सीए कर, और ना भाई वो सीए में आ गया, सीए बन लिया भाई, मतलब अब समझ रहे हो बापू, मेरे बापू ने ये फॉर्मेट बोला भाई एक्टिंग एक्टिंग में जाने का नहीं सीए करने का। That was a scenario where after 12th I entered into आपका जो सीए फाउंडेशन, मेरा भी पंडित सीए फाउंडेशन था, लेकिन मेरे सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव थे, मतलब मेरे मतलब I'm discussing of 1999, जब तुम शायद पिछला जन्म हो ना, कुछ ना कुछ थे तुम किधर मिले थे, तुमको मालूम नहीं है, तुमको याद नहीं होगा कि तुम्हारी भूलने की कभी मेरी अपना मैं, तो भाई और बहनों ऐसा सिनेरियो हुआ, एंड देन आई एंटर्ड इनटू सीए, सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट था, भगवान कसम पढ़ने की कोई लायकियत नहीं थी मेरी, मतलब मेरे को इच्छा ही नहीं थी ना मैं पढ़ने लायक था, मतलब ऐसे ही फाउंडेशन मैंने बेसिक स्टडी की और रिजल्ट आया एंड आई स्कोर 268, और तब रैंक वाला कौन था, और तब 50th रैंक आया था, तो कहानी रैंक में आई, तो 50th रैंक आ गया तो अपने अंदर एक पॉइंट फॉर्मेट आ गया कि लाइफ सेट है, यानी कुछ करना ही नहीं है और सीए बन जाता। फिर इंटर में आए, फिर इंटर में अपने को असली बात समझ में आई, जो टाइम खराब होता ना आदमी का किस बेल होता है। इंटर का फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम गया, थर्ड टाइम गया, थर्ड टाइम तो कोई रुका नहीं कहानी, थर्ड टाइम तो गया ही है उसमें कहानी उसके, मतलब मेरे टाइम पे जो सीए बता, तुम्हारा भी मेरे ख्याल से वैसे ही है, मेरा 12th में फाउंडेशन हुआ था, तुम्हारा भी वैसे ही है ना, 12th में फाउंडेशन है। ओके, 12th फाउंडेशन हुआ, फाउंडेशन क्लियर होने के बाद 1.5 ईयर में मेरा सीए इंटर था, तुम्हारा थोड़ा अलग फॉर्मेट है, पर मेरे टाइम पे 1.5 में सीए इंटर था, और 1.5 में सीए इंटर करने के बाद क्लियर होने के बाद 1.5 ईयर में सीए फाइनल। ओके, और ये मेरे सीए फाउंडेशन होते ही मेरी आर्टिकलशिप चालू हो गई थी, 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, ये मैं 99 और 2000 की बता रहा हूँ। तो जब मैं सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ, इंटर का फर्स्ट अटेम्प्ट जब आया फेल हुआ, सेकंड अटेम्प्ट आया गया, थर्ड अटेम्प्ट गया, पर थर्ड अटेम्प्ट आया तो आपको समझ में आया 1.5 साल निकल चुके थे मेरे, तो 1.5 साल निकल चुके थे, 1.5 साल के बाद मतलब बस मैं आपको इसके नाम भी बता सकता हूँ कि टाइम आदमी का खराब होता है तो कितना खराब होता है, और ये क्यों हुआ है इसके ऊपर मतलब आज अपन नहीं करेंगे, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा एक के साथ, बट टू द एक्सटेंट था भाई, मैं आपको ये बता रहा हूँ फॉर्मेट कंसिस्टेंसी कैसे मैटर करती है। इस टाइम पे बीकॉम की एग्जाम साथ में आई, क्योंकि 1.5 साल मतलब वो बीकॉम वाला पोर्शन आया, 1.5 साल के बाद पहला एग्जाम था, यानी जब मैं 14th में गया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आया, समझ रहे हो, 14th बोलते हैं ना तुम लोग, FY बीकॉम, आई डोंट नो क्या बोलते तुम लोग, जो भी बोलते हैं, बस मैं इतना समझ लो बीकॉम जो बैचलर डिग्री थी इसका भी रिजल्ट फेल, और फेल हुआ वो इकोनॉमिक्स में हुआ, मतलब लाइफ में तुम इमेजिन करो मतलब क्या पोजीशन होगी 2004 में, 3 और 4 में। ओके, जब सीए का मतलब तुमको सच्ची होता है, मतलब ये ऐसा पोजिशन था जब बीकॉम का रिजल्ट आया फेल हुआ तो पब्लिक ने बोला फेल क्यों हुआ, मैं बोला सीए पढ़ रहा, मतलब सीए की पढ़ाई की मैंने, और अगले मैंने सीए का रिजल्ट आया वो फेल हुआ, क्या बोले बीकॉम का पढ़ा था, तुम समझे मतलब बैलेंस ऐसे नहीं होगा, फिर बाद में समझेंगे क्या हो रहा है भाई मेरी लाइफ में,
ठीक है, उसमें पहला आइटम मैं एग्री करता हूँ, मैं पढ़ा ही नहीं, पहला और दूसरा आइटम तो बिल्कुल, मतलब मेरे को लगा अगर बिना पढ़े रैंक में आता आदमी तो पढ़ना क्यों, क्योंकि फाउंडेशन में वैसे ही फॉर्मेट था। बट ठीक है आगे फॉर्मेट है तो ब्रीफ में बता दूँ, पर इट वॉज द फिफ्थ अटेम्प्ट व्हेन आई क्लियर माई इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल आई क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पांच अटेम्प्ट मेरे को इंटर में लग गया, लेकिन मैं सीए फाइनल लग गया। सारी कहानी में ना मेरे इसमें लाइफ में बहुत बहुत सारे फॉर्मेट में से एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमेजिन करो जिसका ये फॉर्मेट रहा, ओके एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी बाय 2008 ही वाज होल्डिंग टोटल 9 क्वालिफिकेशंस एंड ऑल 9 क्वालिफिकेशंस आर ग्लोबल क्वालिफिकेशंस। मैंने मतलब इंडिया से पहले सीएस सीएस सीएमए सीएमए मैंने सिर्फ इंटर दिया, इंटर के बाद छोड़ दिया क्योंकि फिर मेरे को बाकी दूसरी डिग्री भारी लगने लगी। अभी आपको सिर्फ कौन सी डिग्री अच्छी दिखती, अब आपके लिए भी कौन सी डिग्री दिखती, सीए सीएस सीएमए, यही तीन प्रोफेशनल कोर्सेस। मेरे को भी यही था, पर जैसे ही मैं जॉब पे जाने लगा पीडब्ल्यूसी में जॉब पर, मेरे को मन पड़ा यार सीए सीए सीएमए तो ये तो अपन भाई यार नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल पे तो इतने कोर्सेज है। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इंटरनेशनल कोर्सेज एग्जामिनेशन, सीसा डीसा सीसम बीसीसीपी बीसीसीई ओके सीजीईआईटी एंड लास्ट इज एमबीए एमबीए वेलिंगकर से, ये सारे कोर्सेज किए। यानी अपना मतलब जब तक शादी नहीं हुई ना मेरी तब तक मैं पढ़ ही रहा था, शादी होने के बाद तो पढ़ाई वैसे ही छोड़नी पड़ेगी, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। बट नहीं भाई शादी का तो अलग ही हिसाब है, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज ये स्कीम है। तो सर ये बैकग्राउंड मैंने आपको इसके लिए बताया कि ये जब मैंने सीए किया आई वॉज नॉट एट ऑल इन टू सीए, बट सीए के एग्जामिनेशन दी, फिर कुछ कारणवश हुआ जिसमें सीए फाइनल बहुत तोड़ निकला, सीए इंटर में दिया, सीए इंटर में 5 अटेम्प्ट लग गए, तो फर्स्ट टाइम में सीए फाइनल लिया, लेकिन सीए इंटर सीए फाइनल में मेरे को रैंक नहीं है। सीएस इंटर उसी टाइम पे दिया, सीएस इंटर में आई एम 21st रैंक एंड सीए फाइनल में 23rd रैंक, और सीए में इंटरमीडिएट में आई एम 22nd रैंक, यानी 21st 22nd 23rd, वो एक साल में तो 3 रैंक आ गए। देखिए लाइफ में मतलब अपने इधर पास में ये वांदे हो रहे थे, यानी इमेजिन करो मतलब अगर मैं आपको बोलूँ ओके बीकॉम फेल बाकी छोड़ दो, सीए का तो आगे कहानी है ओके, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी चीजें चेंज है यार, लाइफ लाइफ का कंपैरिजन किधर भी नहीं सकता। तो सर एक पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूं इसमें से क्या है, इसमें से ये है ओके तो फेल पास का मैं डिस्कशन कर ही नहीं रहा, इन सारी चीजों में या सारे एक्सपीरियंस में मैं एक चीज सीखा, लाइफ को जो चीज चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। जो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, जो मैं जब कंसिस्टेंट हुआ चीजों को लेकर तो चीजें बहुत बेटर हुई है, जब कंसिस्टेंसी की बैड बनी तब तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप एक फॉर्मेट बहुत अच्छे से देखिए ना, वो कौन सा फॉर्मेट है मालिक, कंसिस्टेंसी का। ओके वेरी गुड गाइस, टू एंड मतलब एक और है मैं ओके अपन टोटल आपके लॉ में अभी जो अपना सिलेबस करंट वही सब बात कर रहे हैं मालिक, लॉ में आपको कितने लॉ है, 5 नाम बता दो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। इन पांचों में से कंपनीज एक्ट इज ओवर व्यू, एक्ट इज नॉट देयर, इट इज ओवर व्यू। तो ये ओवर व्यू, बट ओवर व्यू ओवर व्यू है, और ये है जो अपने पास है जो सबसे मेजर क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके अब बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, यानी कल अपन जो चालू करेंगे स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सबसे बेसिक एक्ट है दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है क्या नहीं होता वो बाद में का डिस्कशन, मेरा सिंपल सा पॉइंट है जिसको आप मेरे को समझाओगे, आपके हिसाब से लॉ क्या है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज लॉ एक्चुअली। जब अपन लॉ की बात करते हो क्या है, 11th 12th तक या 10th तक तुमने, बाकी अगर मैं चार पेपर बात करूं तुम्हारे फाउंडेशन के, ठीक है अकाउंट्स तुमने 11th 12th दिखाई है, समझ में 11वीं 12वीं किया गया, हाँ ठीक है भाई ओके। जो साइंस होगा शायद उसके लिए अकाउंट्स थोड़ा, जो साइंस वाला बंदा होगा उसके लिए अकाउंट्स पहली बार होगा, बट वापस आपको मैं बता दूं बहुत तोड़ मोटिवेशन है साइंस वाला बंदा, तो मेरे पहले वाला बंदा साइंस वाला बंदा कौन था मेरे पहले, हाँ विनोद सर, विनोद सर क्या मतलब कोर्स क्वालिफिकेशन पता है ना उनका, वो कौन से सीए मतलब बीकॉम सीए है, साइंस बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड में से फिर सीए, तो सीए मतलब साइंस वाले में अगर अकाउंट्स का तुमको क्या लगता है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया मेरे भाई का, वे मेरे भाई तो इंजीनियरिंग में से इधर घुस है, तो सोच और वो भी कितना चालू आदमी, मतलब बाइक के चक्कर में किधर, मैं तो बहुत खतरनाक था भाई,
मतलब मैं तुमको तो ये बता दूं, मतलब जब मैं चौथे डे में फेल हो गया ना, चौथे डे में मतलब एक कहानी आ रही है, चौथे डे में जब अपन लटक गए अपने, पप्पा ने बोला भाई निकल जाओ घर से, मतलब चौथे डे में रिजल्ट के पहले बोला था, मतलब बीकॉम फेल होने के बाद वाले में कि बस नहीं हुआ घर से निकल जा। लिटरली बोल रहा हूँ, एक ऐसे मोमेंट से कभी कभी ऐसे कभी भी डिस्कशन हो पापा के साथ में, पापा को मैंने बोला नहीं नहीं बाबा मेरे को पढ़ना नहीं है तो निकल जाओ घर से, ये बोलते थे प्रॉब्लम क्या, वो प्रॉपर्टी सुमित किया जाएगी ना पूरी, सुमित मतलब मेरे भाई पूरी प्रॉपर्टी उसको कैसे दे देंगे, विजन विजन विजन। साइंस में आपका क्या है, अकाउंट आपने कहीं ना कहीं देखा है, 11-12 देखा होगा जिसने अकाउंट्स का पॉइंट देखा होगा। ओके मैथ्स बचपन से पढ़ रहे हो, आज तक झेपने वाला इशू रहता नहीं भाई, मैथ्स मैं भी एक्सपर्ट था मैथ्स में, जब तक फाउंडेशन तक था, फाउंडेशन के बाद मेरे को मैथ्स का एबीसी नहीं पता, मैथ्स का सिर्फ मतलब मेरे को मैथ्स के जो चीज आती है वो बस वो साफ आपके क्वेश्चन याद है, साफ आपने के ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो मेरे को नहीं मालूम, तुमको आएंगे आएंगे जाने दे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कुछ तो हाँ कुछ डी डी ए क्या छोड़े जाने छोड़े मेरे मुझे बात ही नहीं करने का, ऐसा बहुत बहुत ऐसे पंगे वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ्स तुम्हारा पॉइंट है, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं तुमने पता नहीं किसी स्कूल में होता है कोई स्कूल में नहीं होता है, पर इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ऐसे मतलब मुंबई की बोर्ड्स के हिसाब से डिपेंड होता है, लेकिन लॉ तो मैं गारंटी देता हूँ 99% है किसी को कॉलेज में कहीं पर भी लॉ का लेना देना नहीं था, तो लॉ होता क्या एक्चुअली, अभी आप बोलोगे सर मैं सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए वो लॉ है, पर तो तोड़ते हैं तो कॉमन है, तो सिग्नल जब रेड होता है तब निकलते हैं, मतलब ऐसा है भाई पूना और मुंबई ऐसा कोई टेंशन नहीं है, मैं मुंबई से हूँ अभी रिसेंटली पूना शिफ्ट, मतलब पूना सेटल्ड हो रहा हूँ, मतलब सेटल्ड हो रहा मतलब मैं सेटल हो चुका हूँ ऐसा पूना केस में बिकॉज ऑफ दोस्ती यार, मल्टीपल है उसकी पूरी बैकग्राउंड है, पर मुंबई पूना दोनों भारी है अपने लिए, महाराष्ट्र भारी है, भारत माता की जय, तो मतलब भारत माता की जय पहला डायलॉग था, हाँ तो कोई डिबेट नहीं होना, हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन है ये भाई, तो इधर डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं कर रहा मैं, तुम ऐसे टेक्निक नहीं बताओ, तुम रो मत बताओ कि सर सिग्नल तोड़ना है, ये जनरल जनरल पॉइंट हो गया, लॉ मतलब क्या है एक्चुअली, लॉ मतलब क्या है, दो पांच मिनट आगे पीछे चलता ना, नहीं ना अगर तुम पापड़ छोड़ते रहे पार वार खींच के पार वार नहीं बढ़ने, एक दो पांच मिनट मतलब तो लॉ मतलब क्या, हाँ इंडिविजुअल रूल्स रूल, रूल मतलब क्या, किसने बनाया रूल, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन, अभी बोलेगा बीजेपी, अभी बोलने गए मेरा सवाल है रूल्स किसने बोला, रूल्स है मतलब पंडर ने बोला रूल, पंडर मतलब तुम लोग, हाँ मैंने बोला मालिक समझा क्या, मालिक मालिक भी तुम लोग ही, तो तुम लोग को मैं दो तीन शब्दों से संबोधित करता हूं, एक शब्द होता है पंडर, एक होता है मालिक, मालिक समझा, ये कॉमन है मेरा, मैं आपको बार बार मिलेगा, तो आप इस बार ये मालिक किसको बोल रहे, मालिक किधर, मालिक साई बाबा है क्या, किधर साई बाबा सबका मालिक है, अरे भाई तेरे को बुला रहा हूँ भाई, तो मालिक ओके झंपे ढंपे तो समझ में आ गया है, तो पंडर ने बोला मेरा रूल है, मेरा रूल है, रूल बनाया किसने, पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट होता क्या है, अच्छा ये तो क्या अभी तुम तो यार तुम तो पूरा ऐसा छेड़ रहे हमको, ऐसा तुम्हें छेड़ूंगा ही ना, न्याय के लिए छेड़ने के लिए तो है, हाँ लोकसभा राज्यसभा, ये भाई लोकसभा लोकसभा राज्यसभा होता क्या है, ये बोलेगा तू कह के लिए बैठा इधर, नहीं ये बच्चे के बैठा हमसे रूल करा, बट बोलिए लोकसभा राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं, फिर बड़ी एग्री, ये मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, हाँ कसम ये है ना, ये बीकॉम का इंग्लिश हो गया, मैं पूछ रहा हूँ एक्सप्लेन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन मैनेजमेंट, ओके सर ये बोले सर पूरा नहीं आता, मेरा जितना था बता, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, एक सिमरन का पॉइंट है, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, रूल क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ने, क्रिएट किया गवर्नमेंट मतलब आप कोई बोला राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट, अरे मैं पूछना चाहूंगा लोकसभा राज्यसभा है क्या,
लोकसभा राज्यसभा होता क्या है? लोकसभा राज्यसभा मतलब एक रू एक एग्जीम करते हैं, लोकसभा मतलब कोई एक रू होगा। मेरे को बताओ क्या मतलब वो एलियंस आते हैं, वो जादू धूप वाला वो आके लौट आएगा क्या? नहीं, तो रूम होगा, रूम में कोई लोग होंगे, एक रूम होगा जिसमें ये बोला जाएगा ये लोकसभा है, एक रूम होगा जिसमें बोला जाएगा ये राज्य। अंदर जो बैठे हुए लोग कौन है? मेंबर पे कौन, मेंबर कौन होते हैं? मेंबर कौन होते हैं? अच्छा लोकसभा मतलब कौन सा? अच्छा मैं बताओ लोकसभा राज्यसभा ये सुना सबने एवरीबॉडी, ठीक है लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट वार्लियामेंट किसी को नहीं आ रहा होगा, एटलीस्ट जो पर राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा कौन बहुत मतलब लोकसभा इज बेसिकली सेंटर, सेंटर का या स्टेट का? सेंटर स्टेट कुछ आइडिया है? ओके, अपने इंडिया कंट्री में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, अपनी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स है। आप और मैं, आप अभी तक नहीं, सॉरी आप में नहीं, मैं और तुम्हारी पापा मम्मी ना, क्योंकि तुमको वोटिंग का अधिकार है नहीं अभी तक, क्या ठीक है? मेरे को नहीं मालूम था, सॉरी मैं बोल बैक, आप और मैं ठीक है, ये तो बोल रहा आ गया ना अधिकार है, दो मिनट बोल देता आप बोल रहे सही बोल रहे हो, ठीक है ना भाई, मैं तो छोटा ही समझता तो बोल रहे आप और मैं आपके पापा मम्मी सबने सिलेक्ट किया जिसको वोट डाल के, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, यानी आप और मैं है, ये भी मतलब वो लोग नहीं है, आप और मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तुमको सीए फाउंडेशन करना है, मेरे को सीए फाउंडेशन बनाना है, अटक गया अपन, बोलो चलो ला बनाने, मतलब मेरे टाइम है बनाने का है, बोला टाइम है भाई, अपने को डेडिकेशन ही पढ़ना है मां कसम, तू बोला मैं बोला अटक गया, अरे बोला हमको रूल बनाना है, हम कहते हैं फिर अपन को टाइम नहीं, इसलिए अपन ने मिलकर सिलेक्ट किया अपने रिप्रेजेंटेटिव, वोट दिया अपने, वोट दिया ओके, अपने लोकल म्यूनिसपैलिटी को वोट दिया, लोकल राज्य को वोट दिया ओके, देखो वोट वोट किए होंगे आपने सुने होंगे, तो वोट अलग अलग तरह के होते हैं, एक सेंटर का वोट होता है, एक रीजनल के वोट होते हैं, तो लोकसभा इज फॉर सेंटर, सेंटर मतलब अक्रॉस इंडिया रिप्रेजेंटिंग वन, मतलब जो मेजोरिटी आता है, अभी किस नाम में मेजोरिटी कौन है? बीजेपी, बीजेपी मेजोरिटी कैसे होती है? ओके, जो अपने मल्टीपल स्टेट्स होते हैं, मल्टीपल जितने भी स्टेट्स है, स्टेट में से जितने नंबर ज्यादा आएंगे ओके, उसका पावर रहेगा, एंड दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज लोकसभा, ओके मेजोरिटी विंस, बचपन से देखा अपन ने ये खेला कि नहीं, तो मेजोरिटी विंस अपने इसलिए मेजोरिटी विंस है, और राज्यसभा मतलब हर स्टेट की मेजोरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं, किसकी मेजोरिटी? स्टेट की, ओके उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते एक हाउस में, जब मैं हाउस बोल रहा हूं तो एकदम सिंपल याद रखो, एक रूम, ये रूम ले लो, तो ये रूम में हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा, ये महाराष्ट्र, ये मिजोरम, सिक्किम, गुजरात, अभी मत बोलना गुजरात अहमदाबाद दोनों एक चौमिया, मतलब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, समझ में आया? ठीक है, और एक रूम होगा जिसमें किसके रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे? सेंटर के, तो ये दो रूम होंगे, इन दोनों को कुछ तो प्रेजेंट किया जाएगा, ओके ऐसा रूल जिसने भाई साहब ने बोला रूल 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 प्रेजेंट किया, रूल बनाया किसने, ये बनाया किसने? ओके, क्योंकि तुम जिसको आपने सिलेक्ट किया है, मेरे ख्याल से एग्रीबडी एग्री, वो कितने क्वालिफाइड है, ये मेरे को डिस्कशन करनी नहीं चाहिए अभी, बट टू द एक्सटेंट आई डोंट थिंक एवरीबडी एग्री, ओके वो लॉ का क्वालिफिकेशन है नहीं, आप और मेरे से एक्सपर्टाइज अपने एरिया में से सिलेक्ट किए जाते हैं, सर ये कहां पर लिया होता है? ओके, इनकी एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री मतलब एक पोर्टफोलियो, मतलब एक ऐसा बोल सकते एक ऑफिस, जहां पर ये लोग बोलते हैं हमको लॉ बनाना है, हमें लोग चाहिए, तो फिर अपन ऐसे बोलेंगे ठीक है मैं सीए हूँ और 5 साल का एक्सपीरियंस है, ओके मैं रेडी हूँ लॉ बनाने के लिए, फिर मैं चला जाऊंगा, वैसे लोग आएंगे, फिर उसमें से गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी कौन चाहिए, फिर गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, और फिर मैं सबसे पहला मैं ऐसे करता अपन सब लोग सिलेक्ट हो गए, अभी अपन मिलकर पूरा लॉ बनाते हैं, अपन लिखते हैं क्या लिखेंगे रूल, अच्छा ऐसा किया तो ऐसा करेंगे, ऐसा किया तो ऐसा करेंगे, एक मिनट लिया सारी आत्मा, अरे हाया ना आप और मैं कौन
एक्सपर्टाइज, कौन एक्सपर्टाइज, सीए सीएस लॉ मेकर, जो लॉ मेकर है, जो जो एरिया का लॉ मेकर है, बहुत सारे लॉ अपनी कंट्री में, ओके ये सारे लॉ मेकर अपन ये ऐसे लिखेंगे, लॉ लिखेंगे, लॉ लिख के अपन ये एक हाउस को देंगे, कौन सा हाउस, दो हाउस थे, कौन से दो हाउस थे, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी मेजोरिटी विन होगी, लोकसभा रीड करेगा ओके बोलेगा मेजोरिटी विन ओके ओके, और लोकसभा बोलेगा साइन किया, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में हाउस में, ये राज्यसभा ये लोकसभा, इनको दिया ये बोले हाँ ओके ये राज्यसभा ओके, अगर ये ओके नहीं बोले तो वापस मेरे पास ही आएगा, क्यों ओके नहीं बोलेंगे, इसका रीजन होगा, नहीं मन ने आज फील कसर तेरी वाट नहीं, ये नहीं होगा तो रीजन देगा, तो रीजन को हम मॉडिफाई करेंगे, हम मतलब मैं एक्सपर्ट मॉडिफाई करूंगा, फिर वापस तुम जो प्रेजेंट करूंगा, समझ में आया, कुछ लॉजिक बता क्या, ओके तो तुम लोग कौन हो, मैं आपको बता दूं, बोर्ड काउंसिल में मैंने बोला था तुमको सिलेक्ट भी मैंने ही किया है, तुम्हारा अपॉइंटमेंट तो मैंने ही वोट किया, तब तो जाके उधर बैठा, वोट ही नहीं होता तो बैठ कैसे बैठा था, तो इन शॉर्ट अपन ही लॉ मेकर है, तो फिर मैंने ये लोकसभा को दिया, ओके ये लोकसभा इधर, ओके गर्ल्स वुमन एम्पावरमेंट जिंदाबाद, लोकसभा को दिया, लोकसभा ओके, फिर किसके बाद आया, ओके क्या लॉ पास हो गया, नहीं बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब बोलते हैं बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में नाम क्या दिया, वही थोड़ा सिलेबस का लॉजिक मैं लॉ का बता रहा हूं, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कौन सा बोला, लोकसभा एंड राज्यसभा, एवरीबॉडी क्लियर, अरे हाँ ना आत्मा, लोकसभा राज्यसभा ये पॉइंट मैंने आपको बताया, ये दोनों हाँ हो गया तो भी लॉ फाइनल नहीं होता, ये दोनों के हाँ होने के बाद ये लॉ को एक साइन चाहिए, ओके और वो साइन होती है प्रेसिडेंट की, वापस सर लोकसभा राज्यसभा ये इसको अपन बोलते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज नॉट फ्रॉम हाउसेस, यानी कितने जन की साइन लगती है इसको, तीन, कौन कौन, लोकसभा राज्यसभा, तो पहले जो पहले कौन दो हाँ बोलने चाहिए, राज्यसभा, लगे अपने हाँ बोला क्या लॉ आ गया क्या, नहीं ये एग्जांपल है, ओके अगर लॉ मेकर अपन बोलेंगे रोड कोई क्रॉस नहीं करना चाहिए इंडिया में, अपने लॉ में नोबडी शुड क्रॉस द रोड, इफ एनीबॉडी क्रॉस द रोड ही विल बी इन जेल, लॉ बना बना रहे लॉ बना रहे तो पहले मैं किसको दूंगा, अगर लिखे हुआ लॉ लोकसभा, फिर किसी को जाएगा, फिर ये दोनों हाँ बोल दिया, चलो चलो डायरेक्ट जेल में चलो, बहुत बहुत बड़ी जेल है अपने पास, तो बाद में किसी को जाएगा, फिर प्रेसिडेंट इसको क्या करेगा, इसको बोलते हैं एसेंट, ASSENT ASS, इसको क्या बोलते हैं एसेंट, एसेंट 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 मतलब हा हा, अपने लाइफ में बहुत सारी जगह हा चाहिए रहता है लेकिन ठीक है, एसेंट 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 समझ में आ रहा है, जब ये एसेंट हो गया इसके बाद ये लॉ आप और मैं सब फॉलो करने लगते हैं, और इसमें आप इसलिए डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि इसको बनाने वाले भी आप और मैं ही है, क्योंकि उन लोगों को सिलेक्ट किसने किया, ओके और अगर तुम्हें लॉ चेंज करना है तो तुम उधर जाओ और उधर की पोजीशन पे आओ, समझ में, तो कल बोलते हैं बहुत बड़ा डायलॉग सुना होगा क्या, ये लॉ बदलना चाहिए, ये लॉ बदलना नहीं चाहिए, तो आपने बोला होगा ना उधर घुसना पड़ता है तो लॉ चेंज होता है, रीजन सिंपल है कि अपन ये करते हैं, आत्मा क्लियर, तो टुमारो अवर फर्स्ट लेक्चर विल बी ऑन, मेरे ख्याल से ब्रीफ लॉजिक समझा, बाकी कंटेंट कल चालू करेंगे, तो अपने को कल क्या रिक्वायरमेंट, खाली एक नोटबुक मुझे चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, एवरी क्लियर, और पेन लाना सालो, मतलब बोले नोटबुक गया तो मालिक भारत माता की, गुड इवनिंग मालिक, सो गुड इवनिंग मालिक, गुड इवनिंग, होपफुली यू आर डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे, तो भारत माता की मालिक जो कहानी अपन ने कल डिस्कस की थी, जस्ट बेसिक, तो अपन कंटेक्स्ट चालू कर रहे हैं आपके सीए फाउंडेशन लॉ का, यहां पर अपने सिलेबस में मल्टीपल एलिमेंट्स है जिसमें से अपन फोकस करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट को, दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेरा पहला क्वेश्चन है, ओके जहां पर अपने डिस्कस किया कि लॉ मतलब क्या होता है, तो अपने कल बेसिक डिस्कशन किया कि लॉ रूल्स होते हैं, जो बनाने वाले लोग कौन होते हैं, ओके जो कॉन्सेप्चुअली अपन बात करें तो इट इज यू और मी ओनली, अप्रूव करने वाले कौन होते हैं, आप और मैं, बस हम उसको नाम दे रहे हैं, हम क्यों उसको नाम दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहां पर जाके टाइम नहीं है अपने पास के, अपन जाके उधर बोले ठीक है भाई ये लॉ देख लो ये कर लो, इसीलिए अपन ने अपने लेजिस्लेचर के लोग को सिलेक्ट किया, अपन ने चुनाव जब हुआ वोट दिया, ओके आपने भी वोट दिया,
मैंने भी दिया नहीं है, मतलब दो गया भी, और मैंने भी वोट दिया, और अल्टीमेटली उनको सिलेक्ट किया, और लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलके इन्होंने लॉ को ओके किया, फिर और एक जन ने उस पर सिग्नेचर लगाई, कैसे प्रेसिडेंट, और उसके बाद वो लॉ अमल में आया, अमल में आया मतलब एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में आया, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट, मालिक ऑफिशियल गैर। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसको अपन थोड़े टाइम में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया कोई भी लॉ जब अपने इसमें आता है तो उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, यानी एक्चुअली लॉ पहले बनाया जाएगा जिसमें आप या मेरे जैसे टेक्निकल पर्सन इन्वॉल्व होंगे जो कि एक्सपर्टाइज होंगे, ओके, वो अपना प्रेजेंट करेंगे, वो प्रेजेंट करेंगे बोथ द हाउसेस को, और बोथ द हाउसेस को ओके करेंगे, फिर उसको पार्लियामेंट में ओके, ओके होने के बाद और कौन ओके करेगा, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ओके करने के बाद एंड लेटर ऑन इट इज अपलोडेड और अपडेटेड इन ऑफिशियल गैजेट। अभी ऑफिशियल गैजेट क्या होता है कैसे होता है ये अपन इसको थोड़े से देर के बाद देखते हैं। हमारा हमारा देश भारत देश, भारत माता की जय, ये शब्द यूज करने की आजादी कब से मिली कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये आजादी कब मिली, 1947 के पहले हमें रूल किया जा रहा था। ओके सर, रूल करना अच्छी बात या बुरी बात उसके ऊपर अपन डिस्कस नहीं कर रहे, जो हो गया जो बीत गया, लेकिन अब हमारी बारी ये डिस्कशन आ रही है आज के डेट में हम जो लॉ फॉलो कर रहे हैं वो कौन से है, जो लॉ आप और मैं फॉलो कर रहे हैं वो हमारे कौन से है। Rather than, उसके पहले एक मैं आपको ये बताऊं, शायद आप थोड़ा इंग्लिश को भी देखोगे तो इंग्लिश में भी आपको अपनी इंग्लिश और यूएस की इंग्लिश में फर्क मिलेगा। एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग क्या लिखते अपन, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी ऑर्गेनाइजेशन, ओ आर जी ए एन आई एस ए टी आई ओ एन, लेकिन अगर अपन यूएस की बात करें वो लोग क्या लिखते हैं, जेड, एस की जगह जेड है, ऑर्गेनाइजेशन, क्या दोनों सही है, यस, ओके, तो फिर हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग अपना इंडिया का ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एस वर्ड इंडिया का वर्ड है, यानी मैं क्या बोलने जा रहा हूं आप समझ रहे हो, ओके, ओके, ऑर्गेनाइजेशन जब मैं ऐसा लिखता हूं, ओके, और ऑर्गेनाइजेशन जब मैं ऐसा लिखता हूं, ओके, ऑर्गेनाइजेशन जब मैं ऐसा लिखता हूं, क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों सही है मालिक, यस, ओके, फिर बेसिकली हम लोग कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, ये वाला, ओके, दूसरा वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन यूज करता है, ये वाला, दोनों सही है, दोनों गलत है नहीं है ऐसा। अब मेरा सवाल है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ये लोग जो यूज कर रहे हो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये डिफरेंस आया क्यों, क्या कारण था ये डिफरेंस आने का, एनीबडी, ये डिफरेंस क्यों आया, ये जो एस का वर्ड है क्या हमारे प्रोनाउंसिएशन में कुछ फर्क है। वैसे तो अपन देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज तो अपन ने अडेप्ट की है, अपनी जो लैंग्वेज है वो, मैं बोल रहा हूँ कोई अपन डिस्कस नहीं कर रहे, डिबेट नहीं कर रहे, हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन कोई लेना देना नहीं भाई, और तुमको जो करना है वो करो, हमको कोई टेंशन नहीं है, अपने को जो अच्छा लगता है वो भाषा में बात करते अपन। लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो अपन संस्कृत से निकले, संस्कृत से भाषा में, फिर बाद में हिंदी का फॉर्मेशन हुआ, एंड अल्टीमेटली हमने इंग्लिश कौन सी अडेप्ट की, कहां से अडेप्ट की, हमने इंग्लिश कौन सी अडेप्ट की मालिक, ब्रिटिश वाली, क्यों, क्योंकि वो हमें रूल कर रहे थे, हमने नहीं अडप्ट की, उन्होंने जबरदस्ती फोर्स की, हमने ना बोला भाई इंग्लिश सीखा, वो बोले सीखो, बोले ओके, और भी अपन ठीक है इंग्लिश, लेकिन ठीक है भाई, यानी इन शॉर्ट मैं आपको ये समझा रहा हूं जो अपन इंग्लिश यूज करते हैं अपना इंग्लिश का जो बेस है वो कौन सा बेस है, यूके का, लंदन का, ब्रिटिश का, रीजन सिंपल है क्योंकि अपन के ऊपर जो राज किया हुआ है, जो रूल किया हुआ है वो ब्रिटिश लोगों ने किया है, इसलिए अपने पास जो इंग्लिश अडेप्ट हुई है वो कौन सी वाली है, ब्रिटिश। तो थोड़ा टेक्निकली सोचो, अगर इंग्लिश जो कि एक पूरा कम्युनिकेशन लैंग्वेज है अगर उनका अपने पास अडेप्टेबिलिटी है, याद रखिए वी आर नॉट इंस्पायर फ्रॉम ब्रिटिश, वी आर फोर्सफुल टू अडेप्ट दिस लैंग्वेज, हम लोग की इच्छा नहीं थी लेकिन हमको अडाप्ट करवाया गया। तो आप थोड़ा थॉट कैसे लगाइए, हमारे पास ओके, जब ब्रिटिशर लोग इंडिया में आए क्या वो लोग ने बहुत सारे लॉ भी लेके आए होंगे, और वही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि आज के डेट में भी बहुत सारे लॉ है जो बनाए कब है, ओके, बिफोर 1947, लेकिन अपन आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं।
पहले कैसे एक्टिविटी होती थी वो लेना देना नहीं है. देर आर सर्टन लॉज विच आर मतलब द बेसिक पार्ट इज योर फर्स्ट लॉ विच इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज 1872. अब 1872 में ये लॉ आया है और ये लॉ किसने लाया होगा? अगर 1872 में अगर ये लॉ आया है तो लाने वाला लॉ कौन है? ब्रिटिश है. और आज के डेट में भी हम इसको फॉलो करते हैं. तो मेरा सवाल है कि अपनी कंट्री में सारे लॉ ब्रिटिशर लोग ने लाए और हम उसको फॉलो कर रहे हैं? एवरीबॉडी आपसे कुछ पूछ रहे हो नहीं है. कैसा हुआ है सीन? देखो एकदम सिंपल सीन है. जो उन्होंने लॉ बनाया और हमको लग रहा है आज के डेट में वो भी सही सुटेबल है, हमने उसको कंटिन्यू किया है. हमको लग रहा है नहीं भाई ये लॉ अपने लिए बरोबर नहीं है, आजाद भारत के लिए ये लॉ बरोबर नहीं है, हमने उसको स्क्रैप किया, नया लॉ बनाया. जैसे ही नया लॉ बनाया उसके बाद नया लॉ बनाने के बाद हम उसको चीजों को अडॉप्ट करते हैं. जैसे मल्टीपल लॉज आपको मिलेंगे जो ब्रिटिशर्स लोग के पहले वाले में है, कुछ लॉ मिलेंगे जो ब्रिटिशर्स निकल गए उसके बाद अपन ने बनाया, उसमें अपडेट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंट चीजें जो भी अपना डायनामिक एनवायरमेंट है उसके हिसाब से अपन उसको चेंजेस करते जाते हैं. तो अपना सिलेबस जो पहला सिलेबस का डिस्कशन है, और रेदर देन मैं आपको ये बताऊं जो अपन ने अभी डिस्कस किया बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मेरे को बताओ कोई भी लॉ लाना है तो कहां पर अप्रूव होगा? अभी अपने डिस्कस किया ना, मेरे को बताओ अभी मतलब कल डिस्कस किया था इन्होंने, ओके कहां पर अप्रूव होगा? पार्लियामेंट में. कौन सा हाउसेस? लेकिन उनका लॉ अपने को आज भी फॉलो करना पड़ेगा. ओके तो अब ये अगर आप इसको बोलोगे सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोथ हाउसेज में प्रेजेंट हुआ था, लोकसभा राज्यसभा उन्होंने ओके बोला, फिर प्रेसिडेंट ने साइन किया और उसके बाद लॉ आया, अबे पॉसिबल ही नहीं है. रीजन सिंपल है, उस समय आजाद भारत नहीं था, वोटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. दैट्स इट, एज सिंपल एज इट. तो फिर ये लॉ को हम यूज करते हैं? आंसर इज यस. ऐसा क्यों जबकि ये लॉ तो पहले का है सर, ऐसा क्यों नहीं करती? मतलब लॉजिक ऐसा क्यों नहीं करते अपन कि भाई यार एक काम करो, ओके सारे लॉ पुराने वाले लॉ ब्रिटिश वाले लोगों ने जो लॉ लाए सब स्क्रैप करो, हम नया बनाएंगे. अरे भाई जो सिंप्लीफाइड है, जो चीज आज के डेट में भी अप्लीकेबल है, जो चीज एग्जैक्टली वैसे ही होने वाली है, हम क्यों उसको स्क्रैप करके नया बनाए? नया क्यों बनाना चाहिए? नया बनाने का कारण कोई लॉजिक बता सकता है? नया क्यों बनाना चाहिए कभी लॉ? नया लॉ क्यों बनाना चाहिए? ओके अगर ऑलरेडी अपने पास एक लॉ आया हुआ है, ओके कल उसकी एप्लीकेबिलिटी है, उसको विच इज एप्लीकेबल कर रहे हैं, नया लॉ क्यों आना चाहिए? या नया लॉ का लॉजिक क्या होगा? नया लॉ क्यों लाना चाहिए? कोई एक कॉन्सेप्ट आप बताइए. अगर पुराना लॉ है तो फिर आप नया लॉ क्यों लाना चाहते हो? पुराना एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है पहला पॉइंट, पुराना एप्लीकेबल नहीं है. और कुछ पॉइंट? पुराना एप्लीकेबल नहीं है. अब उसके कुछ एग्जाम्पल, क्या पुराना एप्लीकेबल नहीं मतलब क्या? अभी चेंजेस हुए थोड़े सा और रिलेट, और कुछ पॉइंट आपके हिसाब से? अच्छा आपको ये मालूम है मोबाइल फोन के पहले कौन से फोन से? टेलीफोन और मोबाइल फोन में सबसे पहला डिफरेंस क्या है? वायर, वायरलेस. यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, आप उस एरा में है जहां पर आपने मोबाइल फोन देखा था, जब आप पैदा हुए थे तब आपके घर पे मोबाइल फोन हो सकते थे लेकिन वो प्रीमियम माने जाते थे. लेकिन आज मोबाइल फोन ऑन करना बहुत प्रीमियम है, ये कॉमन चीज है. ओके शायद अपने ओवर ए पीरियड टाइम बोले, यानी एग्जांपल अपनी आगे की जनरेशन, मतलब तुम्हारे आगे की जनरेशन, अगर तुम्हारे आगे की जनरेशन है उसको तो ये मालूम ही नहीं होगा कि वायर करके कोई कॉन्सेप्ट होगा, वायर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद एवरी लॉ. Environment changes, technology changes, things changes, scenario changes, how we communicate with each other changes, and if these all things changes, the base, जो base अपन मानते हैं, जिसको हम follow करने वाले हैं, आपने क्या बोला कल किसने बोला था पंटर ने कि law मतलब rules है, rules कब follow करते हैं अपन? जब वो कुछ काम करते हैं तो हमें rules follow करने पड़ेंगे. काम करने का अगर तरीका change हुआ तो rule भी follow करने का तरीका वो किसमें change होगा? फिर law में change होगा. अब यहां पर ओके एज इट इज अपने अडॉप्ट कर लिया, और ये खाली ये एक एक्ट नहीं है, ये आपके सिलेबस में एक एक्ट है.
कि जो अपन के पहले वाले हैं, बहुत सारे एक्ट्स है, बहुत न्यूमरस एक्ट्स है जो पहले के एक्ट है, कब के, ओके, इंडिपेंडेंस के पहले वाले, और हम लोग उसको आज भी फॉलो करते हैं। ओके, तो अब जो सवाल जो हम लोग चालू करते हैं, ओके, जिसका पहला पॉइंट है, ओके, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये 1872 मतलब मैं अभी तक लॉ का स्ट्रक्चर बताने के पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, समझिए, ये 1872 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 1872 ईयर होता है, वो क्या मतलब क्या प्रेजेंट करता है, उसका उसका इंपॉर्टेंस क्या है 1872? हाँ आप बोलो, कल मैंने आपको बताया मेरी पहली कंडीशन क्या है, इंटरेक्टिव, जब तक आप नहीं बताओगे कुछ बताओगे नहीं तो फिर मेरे को कैसे मानना पड़ेगा, और वो ऐसा तो होने वाला नहीं कि आप कुछ बताओगे और मैं गाली दूंगा, नहीं है मतलब गाली निकलती नहीं है, मतलब तुम्हारे सामने ऐसा बाहर तो गाली दो ना तो कुछ नहीं है, और मैं मतलब ऑफिस चलूंगा तो नॉर्मल ज्यादा क्या बोलूंगा, तू है क्या तू बोल रहे हो यार ऐसा, तो तू बोला तो ठीक है ना यार, दोस्त है क्या टेंशन ले रहा है, तो तू बोल रहे ईगो भी लेने का नहीं अपन ने, तो बोल ना भाई 1872 क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को शब्द बोल रहे हो, यानी जब ये लॉ पहली बार आएगा वो कौन सा साल होगा, 1872। यानी ये जो 1872 रिप्रेजेंट करता है वो ईयर जब लॉ एक्ट में, एक्ट जो लॉ बोलते हैं या एक्ट बोलते हैं, ये एक्चुअली हम लोग को लागू हुआ, लागू हुआ मतलब इंप्लीमेंट, यानी भाई इसके पहले यानी 1872 के पहले 1871 अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते थे, अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है वो छोड़ दो, पर अभी के लिए ऐसा वर्ड तो समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होते थे तो उसको ये लॉ गवर्न क्योंकि था ही नहीं, जो था ही नहीं तो गवर्न कैसे करेगा, तो 1872 में आया उसके बाद से सारी चीजों को ये गवर्न करेगा, तो रिप्रेजेंटेटिव पहला पॉइंट, कभी भी कोई भी एक्ट के आगे जो ईयर होता है, ईयर होता है उसका मेन टारगेट क्या होता है ईयर का, ओके, जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ होगा तो ईयर का एप्लीकेबल है, जैसे अगर आपने सुना हो, ओके, आपके सिलेबस का कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट सुना कभी, कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 करके नाम दिखता है, व्हाट इज द 2013 डिफरेंस, ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन ज्यादा कमेंसमेंट, ये एक्ट कमेंस कब हुआ, तो कब हुआ कंपनीज एक्ट कमेंस 2013 मतलब 2013 को पहले कंपनी कंपनी होती नहीं थी, नहीं होती थी दीदी, कोई नहीं था, भगवान बोलते हैं अरे जय माता दी कंपनी, अरे मां कसम कोई लॉ था या नहीं था, कौन सा लॉ था, कंपनी एक्ट, ओके 1856, ये भाई को ब्रिटिश के पहले एकदम नियर अबाउट यही था, ओके 2013 के पहले, और एक एक्ट था 1956, तो उस एक्ट का नाम क्या था, कंपनीज एक्ट 1956। सबसे पहले अपन आज का एजेंडा अभी 15-20 मिनट का अपना ये है कि अपन समझ रहे लॉ कैसे लिखा जाता है, लॉ लिखने वाला कौन, अपन लोग मतलब कौन, टेक्निकल पर्सन, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत बोलो, लिखने वाला कौन, टेक्निकल पर्सन मतलब लेजिस्लेचर, जिनका इंटेंशन होता है लॉ बनाने का, जिसमें आप या मैं रोल प्ले करेंगे, अगर कुछ फाइनेंस के रिलेटेड काम हो, मेरे को तो अकाउंट्स अपन बनाते हैं, आप लोगों ने अकाउंट्स तो अपन ने कब से सुना हुआ, अपन ने अकाउंट्स 11 से चले 11 12 में अपन अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ओके अकाउंट्स कैसे बनाते हैं अपन, किस फॉर्मेट में बनाते हैं, ये ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, ओके ये अकाउंट्स एक्चुअली ऐसे ही बनाया जाता है क्या, कुछ आइडिया है, तो ये अपन बनाते हैं क्योंकि अपने को ऐसे ही सिखाया गया है, ओके जो अपने को सिखाया गया है
अपन वही करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में टी फॉर्म में अकाउंट्स बैलेंस शीट नहीं बनती है। ओके, आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, किसी भी देख लीजिए, आपको टी फॉर्म में बैलेंस शीट नहीं मिलेगी। ओके, वो मिलेगी हॉरिजॉन्टल। ओके, ये वर्टिकल फॉर्म में नहीं बनती है, वर्टिकल फॉर्म में सिर्फ अपने कॉलेज में बनती है। ओके, कॉलेज के बाद अपने सीए फाउंडेशन में बनती है, सीए इंटर में आने के बाद अपन थोड़े से मैच्योर बनते हैं, सीए फाइनल में आने के बाद बाप बनते हैं, और सीए बनने के बाद तो जिंदगी बनते हैं। तो फिर बनने के बाद की जो फीलिंग होती है ना, पर वो टाइम पर तुमको समझ आएगा, तो ये कौन बताया कि मैं ऐसा नहीं बना सकता, ये मैं ऊपर बोल रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूज नहीं होने का। यानी तुम ऐसा अपने आपको कल से सर आप ये टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनती नहीं है, नहीं बनती है, पर तेरे सिलेबस में जो है वही करना है, कल तो ऐसा मत करना अकाउंट में। नो सर, हे ना चाहिए, हे ना चाहिए, मैं तो वो नहीं करेगा सर जो मेरे को ऐसा नहीं होने वाला भविष्य में, मैं ऐसा ही बनाया होगा। ओके, वापस अपन रिकरिंग डिपॉजिट होंगे, वापस अपनी जिंदगी जाएगी, जिंदगी को उड़ाना मत। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, टी फॉर्म में बना नहीं सकते हैं। तो मैंने बोला किसमें बनाना है अपने को, किसने बोला, किसने बोला ये हॉरिजॉन्टल? अभी आप मत बोला, आपने बोला, मैं कैसे बोलूंगा, मेरे पास क्या होगा, किसने बोला? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनी जो भी होगी उसके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, यानी एग्जांपल बैलेंस शीट, जो भी बैलेंस शीट होगी उसको हम ऐसे लिखे, ऐसे बनाएंगे, पहले हम लोग लाइबिलिटीज लिखेंगे, फिर लाइबिलिटी के बाद हम लोग एसेट। मैं आपको पूरा अकाउंट नहीं करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन लॉजिक ऐसा लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे। ये बोला किसने, कंपनीज एक्ट, ये समझ में आया? ओके, तो हम लोग इसको फॉलो करते ना मालिक, नहीं पड़ेगा। ओके, नहीं नहीं सर, मेरे को तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं टी फॉर्म बनाएगा, मैं भले कंपनी हूं टी फॉर्म बनाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको यही करना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये फॉर्मेट होगा। इवन कंपनीज एक्ट, मैं सीए बोल रहा हूं, मतलब इधर क्या है सीए का फुल फॉर्म, कंपनीज एक्ट 1956। ओके, जब था तभी भी कुछ फॉर्मेट होंगे, ये ओरिजिनल तो अभी अभी रिसेंटली है, स्टार्टिंग से अपनी जिंदगी टी फॉर्म में निकली है। मैंने क्या बोला, टाइम चेंज, जनरेशन चेंज, सिनारियो चेंज, टी फॉर्म चेंज इन टू वर्टिकल फॉर्म, थोड़ा और 50 साल निकलेंगे फिर वर्टिकल फॉर्म चेंज इन टू आई डोंट नो कौन सा फॉर्म, मतलब अभी तुमको मालूम होगा वो ज्यादा, अपन तो तब तक अगले जन्म में रहेंगे, नहीं अगले जन्म में सीखूंगा ना, मतलब क्योंकि जनरेशन इतना फटाफट चेंज नहीं हो गया, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि अगले 20 साल में वापस फॉर्मेट चेंज होगा। अब मेरा एक सवाल होता है आपसे एकदम आराम से, इसमें बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम होते हैं, एसेट्स लायबिलिटी, हाँ ठीक है, एसेट्स में क्या क्या हो सकता है, फिक्स एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट एग्जाम्पल कैश, बैंक बैलेंस और रॉ मटेरियल्स होता है और कुछ, अच्छा रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स एग्जाम्पल होता है, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल, डेटर्स होता है, परफेक्ट, डेटर्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल मतलब क्लोजिंग स्टॉक ही ना, तो इधर रॉ मटेरियल का मतलब कौन सा है, कौन सा मटेरियल, नो अदर मटेरियल, ओनली रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक। मजाक करते होता हूँ पर्सनल के, वो भाई और जानो नहीं, मेरा एजेंडा मैंने सबको कल बता दिया है। ओके, कोई भी बंदा सीरियसली मुझे लेगा सब कंटेंट को, कंटेंट छोड़कर बाकी सब चीज मस्ती मजा के भाई, मतलब यार मेरा फॉर्मेट ही ऐसा है, क्या करूं यार, तो नो चेंज सर। देखो मैं एक ही पॉइंट पे चेंज हो सकता हूँ सिर्फ, अगर मेरी बीवी बोले तो, क्योंकि पत्नी उससे ही है, दुनिया में किसी बाकी और किसी से डरता थोड़ा ना, लेकिन डर लगता था भाई बहुत भयंकर, क्योंकि मेरे लिए वाइफ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्ट ऐसा है कि इसमें अगर कुछ नॉन कंप्लायंस मतलब नहीं किया, यानी एक्ट फॉलो डूबो एक्ट, अरे कसम को बोलो तुमको ऐसा मजाक लग रहा होगा, और तुमको ऐसा कभी कभी जोक में रहता होगा, अरे कभी ऐसा मतलब पप्पा को बोल के मैं घर से बाहर, मतलब मैं सीए होने के बाद की बात कर रहा हूँ, फाउंडेशन मतलब मैं भी क्यों था,
मतलब फाउंडेशन इंटर अपन ऐसे ही रहते थे, कुछ नहीं करते। पापा मम्मी तू निकलेगा तो दो चमाट खाएगा, सीए बनने के बाद क्या? मेरे को बताओ ना, सीए बनने के बाद फोन को बोलेगा किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, ए भाई मेरे से पूछ। अरे तुम बोले पापा आई एम एजुकेटेड, ओके पापा बोलेगा अच्छा, दिमाग मारेंगे तभी भी लेकिन सोफेस्टिकेटेड। सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद, सीए बनने तक तो कुछ कर ही नहीं देते। सीए बनने के बाद कभी घर से बाहर निकला हो या पापा को बोला, मैं बोला पापा इधर जा रहे हो, पापा कभी पापा ने पूछा तक नहीं, ना मम्मी ने पूछा। मम्मी ठीक है आ रहे हैं घर पे, खाना खा लेना, ये कर लेना, बस ध्यान रखना भाई। ओके शादी होने के बाद तो कोई जाके तो बता, बिना बताए जाके बता, मानो कॉन्फिडेंस क्या है। बाकी तो क्या है, मतलब बाकी तो सारी चीजें वैसे है। तो सवाल यही है जहां से मैं आपको बता रहा था, ये जो रॉ मटेरियल बोला आपने, ओके इसका अमाउंट, रॉ मटेरियल का अमाउंट अगर जो आता है, या डेटर इसने बोला करंट एसेट का, ओके इसका अमाउंट आता है, आपने फिक्स एसेट पढ़ा होगा, फिक्स एसेट जो पढ़े हुए है, फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के जो अमाउंट आता है, ये अमाउंट जो निकालते हैं अपन, ये क्या बेसिस पे निकालते हैं? मतलब ये अमाउंट अपने को यूजुअली अगर आप देखोगे आपके एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में क्या ये अमाउंट ऐसे मिल जाते क्या अपने को? कोई तो कैलकुलेट करता होगा, कैलकुलेशन का बेस क्या होगा? कैलकुलेशन का बेस क्या होगा? कंपनी का एक एक कैलकुलेशन बताएगा इसका। कंपनी का बोलेगा मेरे को ये बताओ, तुम बैलेंस शीट में ये चीजें बताओ, कैलकुलेशन ये सारा काम करने के लिए। ओके सीए बहुत बहुत हाई प्रोफाइल काम करता है जिसके लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो आप और मैं अगर हमको लॉ मेकिंग में बुलाया गया तो हम इस जगह के लॉ मेकिंग में आ सकते हैं। कल रोड सेफ्टी का लॉ मेकिंग बनाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो रोड सेफ्टी का क्या करेगा भाई तू? रोड सेफ्टी का तेरे को भाई वो डिग्री टेक्निकल पर्सन मतलब समझ आ रहा है? टेक्निकल पर्सन मतलब जिस जिस चीज का लॉ बन रहा है उसके लिए तेरे पास वो कंपिटेंसी, टेक्निकल चीज, टेक्निकल डिग्री बोलो, टेक्निकल नॉलेज बोलो, टेक्निकल एक्सपीरियंस बोलो, वो चाहिए। तो जो हमें ये अपन अपन को कब बुलाया जाएगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट को? अकाउंट्स, ऑडिट की चीजें, अकाउंट्स की चीजें, टैक्स की चीजें, ये सब क्या? ये तो आगे जाने के बाद देखेंगे, अभी तो क्या करने का है अपना, बस 400 मार्क को पहले टारगेट करने का है, 400 में से तोड़ निकालने का है। बट सीन ये है, ओके अब मेरा ये एक बेसिक आता है, कंपनीज एक्ट 2013 आपने बोला, पूरा रफ करके ये आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है, मैं जब बोलूंगा लिखने के लिए तब से अपना चालू करना है। ये आप पहले आप ये समझ रहे हो, अगर मैं आपको ये लॉ देता हूं, मैं आपको बोलता हूं ये लॉ है, तो ये लॉ में कुछ दिख रहा है वो है क्या? तो पहला मैंने आपको बताया 2013 लिखा है, ये ईयर ऑफ कमेंसमेंट, वर्ड क्या यूज करोगे? कमेंसमेंट। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है तो ईयर ऑफ कमेंसमेंट, ओके कंपनीज एक्ट 1956 बोला तो ईयर ऑफ कमेंसमेंट, ये सबको समझा? अब मेरा सवाल उठता है, ओके कंपनी एक्ट 1956 पहले था, ओके फिर कंपनी एक्ट 2013 लाया, ओके इसका मतलब जो कंपनी एक्ट 1956 है वो दो कंपनी एक्ट अपने पास नहीं है, तो 2013 किसके किसके रिप्लेसमेंट में आया? यानी कंपनी एक्ट 1956 को अभी फॉलो करने की जरूरत, ओके और कंपनी एक्ट 2013 फॉलो किया जाएगा, समझ में आया? ओके अभी कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है? अभी ये कौन सा चल रहा है अपना 22, ओके 22 23 फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, 22 23 थोड़ा प्रॉफिट लगाइए। आपको क्या लगता है 2013 में जो कंपनी एक्ट बना और आज तक जो चीज है वो एज इट इज रहेगी या उसमें कुछ चेंजेस आते होंगे? चेंजेस आते होंगे, इस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? अमेंडमेंट्स, ओके सर अमेंडमेंट्स क्या बोलते हैं मालिक? अमेंडमेंट्स। तो ये अमेंडमेंट एक छोटा सा पॉइंट बताओ, अमेंडमेंट होता क्या है? हमने आपको कंपनी एक्ट 2013 ने आपको एक फॉर्मेट बताया और इसमें कुछ बोला कि भाई ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, 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 ठीक है ये डिस्क्लोजर हुआ, ये समझा? इतना समझा अभी एवरीबॉडी? ओके 2020 में एक अमेंडमेंट आया, बोला ये जब डिस्क्लोज कर रहे हो ये एरिया में, ओके ये वाला एरिया जब डिस्क्लोज कर रहे हो इधर ये डिस्क्लोजर और डिटेल में कर दो। कुछ समझ में आया?
मेरे वाले ये जो मैं ब्लू में लिखा है, स्क्रीन पे लिखा है, मैंने ब्लू में जो लिखा हुआ है ओके, जिसको मैं हाईलाइट येलो में कर रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये नया एक्ट आया या अमेंडमेंट आया? मेरा सवाल ये है, अमेंडमेंट बनाया किसने? एक्ट का तो आपको मालूम ही था, एक्ट का क्या था? एक्ट बनाया किसने? लेजिस्लेचर लोगों ने, यानी टेक्निकल पर्सन ने। फिर दिया किसको? पार्लियामेंट को दिया। फिर पार्लियामेंट ने, फिर उन्होंने ओके किया, फिर आया ओके। तो मेरा अभी ये सवाल है, ये अमेंडमेंट, ये फॉर्मेट चेंज करना है। मेरा पॉइंट है फॉर्मेट। आप ये एकदम बदल गया। पांच चीजें बताई, पहले कब बताई थी पांच चीजें? कंपनी एक्ट 2013 में पांच चीजें बताई। अभी कहते पांच नहीं, सात चीजें भी बताइए, यानी दो चीजें एडिशनल। ये कब लाई ये लोग? 2020 में। ये किसने बनाया फिर? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब टेक्निकल पर्सन। और इन्होंने किसको दिया? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट आ करने के बाद, यानी लॉ या लॉ का अमेंडमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? लॉ या लॉ का अमेंडमेंट। कुछ समझ में आ रहा है? ये दोनों कैसे बनते हैं? लेजिस्लेचर, जो इंटेंशन होगा लॉ मेकर का, लॉ मेकर होंगे, टेक्निकल पर्सन होंगे, वो ही बनाएंगे, वही अमेंडमेंट लाएंगे। और वो किस बनेंगे? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट और उसके बाद इंप्लीमेंट होगा, जिसको हम लोग एक अभी के लिए समझ लियो, एक ये हफ्ते के एंड में या कमिंग एक चार लेक्चर के बाद अपन उसको डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल गैजेट मैं आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियल गैजेट कैसे दिखता है। ऑफिशियल गैजेट अपन देखेंगे। गूगल है भाई, सब कुछ मिलता। टेक्नोलॉजी ने थी, मतलब टेक्नोलॉजी पहले क्या था, अगर ऑफिशियल गैजेट तो मेरे को तेरे को दिखाना पड़ता था। आज अपने को किधर जाने की जरूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ने यही किया ना मालिक। तो मेरे ख्याल से ओके, सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है, खाली लॉ नहीं बनता है, लॉ में क्या आता है? अमेंडमेंट भी आता है। तो अमेंडमेंट भी वैसे ही बनता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इधर तक पहला पॉइंट समझ में आया। तो मतलब आपको ये समझना है कि लॉ भी रहेगा आपके सिलेबस में, लॉ के साथ में अमेंडमेंट भी रहेंगे। अगर आप इसी की वेबसाइट भी देखोगे तो आपको लिखे आएंगे कि अमेंडमेंट नोटिफाइड इन 2022-23। आपको कुछ नहीं करना है, ये सब चीज अपन ने कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये सब ऐसे बताया जाएगा। तो ये कहां पर हुआ, किसने किया? टेक्निकल पर्सन, लेजिस्लेचर्स, इन्होंने दिया, पार्लियामेंट ने हाँ बोला, तब जाके अमेंडमेंट हाँ हुए। अगर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया तो अमेंडमेंट हाँ हुए नहीं। तो सब कुछ एक सिग्नेचर क्या कांड कर रही है, आप इमेजिन करो। एक सिग्नेचर, एक सिग्नेचर, एक सिग्नेचर कितना इंपैक्ट कर रही है आपकी लाइफ में। अब सवाल होता है, अब लॉ लिखा कैसे जाता है? सुनिए, लॉ जब भी लिखा जाता है तो उसमें हमेशा ओके, सबसे पहले तो आपको समझना है, एक लॉ होगा जिसका नाम दिया होगा और जिसके साथ में ईयर दिया होगा। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इसके बाद लॉ में जब भी ड्राफ्ट किया जाता है तो लॉ में हमेशा लिखा जाता है सेक्शन। क्या लिखा जाता है? सेक्शन। अगर मैं लेमन टर्म से आपसे पूछूं, सेक्शन मतलब क्या? आपके लेमन टर्म में सेक्शन मतलब क्या? पार्ट्स। एवरीबॉडी एग्री? सबको यही लग रहा है, सेक्शन मतलब क्या होगा मालिक? पार्ट्स। तो सेक्शन मतलब पार्ट्स। लॉ में पार्ट्स होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सो ऑन। ओके, लॉ मतलब पार्ट्स, सेक्शन सेक्शन का मतलब पार्ट्स होता है। झिबरा मालिक? झिबरा मतलब समझ रहे, अपना 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 भाषा है झिबरा है, झिबरा ना मालिक? ओके, तो हमेशा आपको लॉ में सेक्शन, यानी मैं आप कोई भी लॉ पढ़ो, आपको जो मन करे वो लॉ उठाओ, ओके, उसमें आपको एक शब्द कॉमन मिलेगा, कौन सा? सेक्शन। ओके, पूरा लॉ, यानी अगर मैं आपके हाथ में कुछ ऐसे पकड़ा हूं, ये है लॉ, ये कंपनी एक्ट है, तो इसके अंदर क्या होंगे सारे सेक्शन? कहीं सेक्शन नहीं होते, सेक्शन होता है जो मेन पार्ट होता है। क्या पार्ट के सब पार्ट ही होते? तो इसीलिए और एक वर्ड डालो दिमाग में, सब सेक्शन। जो वर्ड आपके दिमाग में हो, यानी लॉ बना हुआ, जिसने लॉ बना होगा उसने बोला सेक्शन, सेक्शन ये है, ऐसा ऐसा करना है, इसके पार्ट्स, ये करते वक्त ये भी करना है, ये भी करना है, इसको क्या बोलते हैं लोग? सब सेक्शन। तो दो शब्द आप दिमाग में रख लीजिए, यानी लॉ मेकर क्या बनाता है? पहले सेक्शन, फिर उसके और पार्ट सब पढ़ रहा था उसको, भारत माता की जय, बताइए इधर तक। थोड़ा एक जनरलाइज मैं डिस्कस कर रहा हूं, कॉमनली जिसको आप एग्जैक्टली आप लगाओगे नहीं। मैं बोल रहा हूं सब लोग ने सिक्स स्टेट, अगर बैठो मत, टेंशन मत लो, मैं सब लोग, एवरीबॉडी विल बी सिटिंग सेट,
सेक्शन में लिखा है सब सेक्शन वाइल्ड सिटी स्टेट मेक श्योर यू हैव ए बुक्स इन योर हैंड सब सेक्शन समझ रहे ओके प्रोवाइडेड दैट इसमें किसकी कमर की लगी पड़ी है कह के किसकी कमर की लगी पड़ी है नहीं जैसे मेरे पैर की लगी पड़ी है लिगामेंट टेयर हुआ ऐसा किसी का कमर का कुछ टेयर वेयर नहीं जिसको ऐसे टेयर होता नहीं है वो जिसको नहीं आदत होती है ऐसा अपना घर ऐसा 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 है क्या कोई अपने इसमें है क्या कोई भी नहीं है तीनों में से कौन सा दोस्त है जो ऐसा ऐसा बैठता है मतलब बेंच है कोई मैडम है मैडम कोई है कोई भी नहीं है तुम पकड़ते किसको किसको पकड़े कोई तो चाहिए मेरे को बिना मालूम बिना लिया है तो सर आपको पकड़े हाँ सर को पकड़े हमारे चलिए ना आपका नाम सुहाम सुहाम भाई सर सुहाम भाई सर का एक टेयर हुआ है मतलब पीछे ऐसा ओके सुन मैं क्या बोला एवरी बॉडी विल सिट स्ट्रेट सेक्शन बाय सिटिंग स्ट्रेट यू शुड हैव बुक्स इन योर हैंड सब सेक्शन बट ये बॉडी नहीं दिखता सेक्शन इसकी लगी पड़ी है इसको तो सुनना ही पड़ेगा लेना पड़ेगा ओके प्रोवाइड कान खुले मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं Provided that क्या बोला मैंने वर्ड स्टार्टिंग का Provided that anybody जिसकी कमर टूटी है वो ले सकता है इसका इंटरवेंशन क्या है इसका इसका मतलब क्या है ये क्या था मैंने क्या बताया मैंने सेक्शन तो बताया मैंने वाले सेक्शन नहीं समझा मतलब सेक्शन उसके अंदर और पार्ट बता रहा हूं ठीक है भाई बैठोगे आप सीधे तब बुक्स लेके बैठो सबके हाथ में पेन होना चाहिए सबके हाथ में ऐसा होना चाहिए ओके और एक शब्द यूज किया मैंने क्या यूज किया Provided that जिसकी कमर की लगी पड़ी है वो लेट अब यार उसको भी बिठाऊंगा कैसा होगा तो थोड़ा फर्क नहीं लगेगा ये बताइए क्या है ये सब्सक्रिप्शन है एक्सेप्शन क्या बोलते हैं इसको हम लोग एक्सेप्शन ओके ये है एक्सेप्शन आप जो डियर रियल लाइफ में बात करते हो एक्सेप्शन होता है लॉ की लैंग्वेज में इसको बोलता है प्रोवाइजो क्या बोला जाता है प्रोवाइजो ओके क्या बोला जाता है मालिक प्रोवाइजो टू व्हीलर सब लोग चलाते हैं टू व्हीलर चला रहे हो हेलमेट कंपलसरी है ओके प्रोवाइडेड दैट आपकी अगर ई व्हीकल है जो 30 की स्पीड से कम चल रही है उसको हेलमेट कंपलसरी नहीं है कुछ मालूम है ना आपको ई व्हीकल अच्छा ई व्हीकल मालूम है कि नहीं मालूम है मालूम ना और उसमें आपको मालूम है एक लॉ ऐसा है कि 30 या 40 की स्पीड कुछ है अगर उसके नीचे वो उसके ऊपर जा ही नहीं सकती वो स्पीड अगर आप बोले रहे हो यानी व्हीकल रहे लेकिन नाम स्कूटर का भी है स्कूटर जैसी साइकिल है तो आपको क्या करने की जरूरत नहीं है तो लॉ कैसे बनता है लॉ ने बनाया था सेक्शन कि आपको क्या करना जरूरी है हेलमेट लेकिन अगर तो उसको कैसे ड्राफ्ट किया लॉ ने प्रोवाइजो तो लॉ ये रहा लॉ तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको सेक्शन सब सेक्शन प्रोवाइजो प्रोवाइजो हमेशा कभी भी मैंने बोला प्रोवाइजो है इसका मतलब क्या है कंडीशंस कंडीशन एक्सेप्शन कुछ कंडीशन है या कुछ एक्सेप्शन है कि भाई ये चीज इसको एप्लीकेबल नहीं है ये चीज उसको एप्लीकेबल नहीं है ओके ये कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है लॉ मेकर का इंटेंशन बहुत बहुत भारी भारी चीज है मतलब जैसे आप तुम जब इंटरमीडिएट या फाइनल में जाओगे जब तुमको मालूम पड़ेगा लॉ का क्या इंपैक्ट है वर्डिंग्स क्या ड्राफ्टिंग दैट इज नेक्स्ट लेवल पर अपन बेसिक लेवल पर जब जा रहे हैं तो बेसिकली तो एटलीस्ट अपने को ये आइडिया होना चाहिए लॉ में होता क्या क्या है ओके तीन शब्द कौन से मिले ओके तो सबसे पहले ड्राफ्ट करने वाला लॉ ड्राफ्ट करने वाला क्या लिखेगा सेक्शन उससे कुछ उसको सेक्शन बहुत बड़ा लग रहा है तो उसको डिवाइड करेगा सबसे उसमें उसको कुछ घुसेड़ना है कंडीशन या एक्सेप्शन देना है प्रोवाइड आत्मा क्लियर तुम्हें को बताओ ओके आप कोई भी सिलेबस पढ़ते हो तो आपके सिलेबस में चैप्टर्स होते हैं चैप्टर के बाद अंदर क्या होता है टॉपिक्स टॉपिक्स के बाद और डिवीजन होता है कि नहीं होता है क्या होता है इसको पॉइंट्स पॉइंट वाले सब टॉपिक्स सब टॉपिक के बाद सब पॉइंट्स तो फिर मैं अभी कैसे लिखेगा सेक्शन सब सेक्शन खत्म करने नहीं आगे और बढ़ेंगे सब 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 सेक्शन सब 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 सेक्शन तो लॉ चार लाइन तक सीमित रखी है चार लाइन क्या क्या है सारी आत्मा इधर सारे फाइल्स साउथ मतलब तुम्हारी आत्मा इंग्लिश है सोल तुम्हारा इंग्लिश है मेरा इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है ओके आई एम अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया
ऐसा है, मैं बहुत ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मेरे को ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा विजिट करना पड़ता है, तो यूजुअली तो मेरी जो इंग्लिश है ना वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। तो अगर बाई चांस अगर आपको कभी समझ में नहीं आई तो टेंशन नहीं लेने का, कहाँ की इंग्लिश है। ओके इट्स मीन मैं बता रहा हूँ, मेरे को कभी कभी इंग्लिश में फंबल हुआ तो टेंशन मत लो, लोचा होता इंग्लिश का सबका लोचा होता। ओके इसको ऑस्ट्रेलियन मतलब मैं जाता हूँ उधर भी इंग्लिश नहीं बोल पाता, टेंशन मत लो समझा। बस मैं अपने को ये बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, तो एक बोलने के लिए से बोलने वाली बात है, ऐसा कोई ऐसा फिक्स नहीं है भाई। अपनी नॉर्मल इंग्लिश है, नॉर्मल से भी गाउट इंग्लिश है। ओके बट स्पेलिंग अच्छे से आता है, डायरेक्टिंग अच्छे से आता है। ओके लेकिन एकदम क्लास वाला नहीं समझा, क्लास होता है कोई एकदम ऐसे एकदम स्पेशल क्लास वाले इंग्लिश वाले होते हैं ना, ओ माय गॉड इट्स हैपनिंग रियली अगेन इट्स माय हैप्पीस्ट नो दिस इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी, माई इंग्लिश इज माई इंग्लिश। तो अब इंग्लिश को ध्यान दीजिए। ओके कभी लॉ मेकर क्या करेगा, सेक्शन सब सेक्शन सुन, प्रोवाइजो भी रोक, प्रोवाइजो हो गया, उसके पहले चार चीजें आ गए। ओके चैप्टर टॉपिक सब टॉपिक ऐसा होता है ना, सेक्शन सब सेक्शन, इसके अंदर अगर और पार्ट डालने रहे क्लॉज CLAUSE क्लॉज, और क्लॉज के और पार्ट करने रहे सब क्लॉज, बस इसके आगे नहीं आएगा। यानी अभी सब क्लॉज का और पार्ट भी हुआ, उसको भी हम क्या बोलते हैं सब क्लॉज। यानी अगर किसी ने सेक्शन बनाया वो बोला भाई सही पहला पॉइंट, ओके तुमने ऐसा करना चाहिए, ये करते वक्त तुम्हें और एक उसका और एक पॉइंट बताएगा, वो क्या बताएगा और एक पॉइंट क्या बोलेगा सब सेक्शन, उसके बाद और एक कुछ करेगा क्लॉज, उसके बाद और कुछ करेगा, और अगर उसको इधर एक्सेप्शन लेना तो ऐसा एक्सेप्शन नहीं लिखेगा, लिखेगा वर्ड वर्ड क्या था मैंने क्या बताया प्रोवाइजो अपन बोलते उसको, पर क्या बोलेगा मैंने वर्ड प्रोवाइडेड दैट जो भी है ऐसा। तो जब लॉ मेकर तुमको अगर लॉ बनाने बुलाया तो तुमको क्या क्या ड्रॉप करना है, पांच चीजें सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज प्रोवाइजो, ये पांच चीज हो गई। ओके ये आपका क्या बन गया लॉ, लॉ मतलब क्या बोलोगे अभी वर्ड यूज करो एक्ट, क्या बन गया एक्ट, एक्ट का मैं बोल रहा हूँ देखो प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैंने बना दिया लॉ बन गया, मैंने दिया बोथ द हाउसेस, इन्होंने ओके कर दिया, प्रेसिडेंट ने ओके कर दिया, अब क्या बन गया एक्ट। इज दैट पॉइंट क्लियर, समझ में आया पक्का, ठीक है। दो तीन चीजें जो आपकी जाननी जरूरी है वो मैंने आपको अपडेट की है, और दो तीन चीजें मतलब छोटे से पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं जो शायद आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में काम ना आए कंपनी एक्ट में। ओके मैं आपको कल बता चुका हूँ एकदम क्लियर है। ओके अपन अभी अपने को जब तक इंस्टीट्यूट कुछ अनाउंस ही नहीं करता अपना सिलेबस जो एग्जिस्टिंग है वही चल रहा है, जिस दिन अनाउंस होगा ओके उसमें देखेंगे क्या क्या अमेंडमेंट है, क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होती है क्या नहीं होती है, हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ओके मैंने आपको कल ही बोला पंचायत की वीडियो पे घुसो मत, पंचायत वीडियो आपको बनाने आप बनाओ ना, कल से आपके यूट्यूब चैनल देखो कितने कम से कम मतलब कैसे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, वे रोज नया फोटोपिक डालना, आज एक वीडियो बना ओके न्यू सिलेबस कमिंग, और नहीं क्या कल बताया मैंने रोज डालने की वीडियो डे वन डे टू बोलना इंटरनल सोर्सेस। ओके फिर वो क्या होगा कमेंट में कोई बोलेगा व्हाट इज योर इंटरनल सोर्सेस, बोलना तोड़ो कौन से वाउच होता है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, तो इसीलिए अनलेस एंड टिल www.ICI.org पे नहीं आता तब तक अपन ने कोई हेडेक नहीं करना चाहिए। पर मैं बोलता हूँ अगर वो कुछ नए सिलेबस का जैसे इंटरवेशन है जैसे उन्होंने बताया अगर वो कुछ आया तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया है ये सब कुछ आपके सिलेबस में होगा फिर ना, क्योंकि कंपनी एक्ट का स्कोप वास्ट होता है और टू बी वेरी प्रिसाइज फिर तो लॉ का सिलेबस ही वास्ट हो जाता है मतलब जिस केस में बात करें, बट टू द एक्सटेंट अभी हेडेक कहिए मत। ओके एक कॉमन एक्ट है अपना चालू हो ही रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं है अपन मेहनत कर लेंगे सर अचानक ऐसा कभी नहीं होएगा, मतलब अपन वो रख रहे हैं जो चीजें कॉमन है राइट, ये पॉइंट हो या वो पॉइंट हो अपने वो आने वाला है, अपन कैसे लिखे पांच चीजें सेक्शन बस इधर रुको, पहले जब भी अपन सेक्शन ना सबसेक्शन बोलते हैं ये हमेशा नंबर में होते हैं, सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन फोर सेक्शन फाइव, सेक्शन वन
सबसेक्शन टू सबसेक्शन थ्री, यानी अगर मैं ऐसा आपको बोलता हूं सेक्शन वन है और इसके पार्ट्स करने हैं, तो मैं पहले क्या करूंगा सबसेक्शन, तो सबसेक्शन क्या बोलूंगा वन, ओके इसको टू लिखा दो, सबसेक्शन टू इसको थ्री लिखा दो, समझ में आया। और अगर इधर मैंने भाग टू लिखा दो टू, समझ में आया ठीक है। ठीक है, मेरे को बताओ इधर मैंने वन लिखा, सबसेक्शन वन किसका, किसका सबसेक्शन वन, आत्मा क्लियर कईस और कईस ऑनलाइन वाले बंदरों को समझ में आ रहा है। अरे 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 अच्छा, मैंने ऐसा कुछ बोला फाइ वन, फाइ सबसेक्शन वन, ऐसा पॉइंट क्लियर। अब जब सबसेक्शन से आगे जाओ, अभी अभी अब मेरे का बेसिक समझ में आ गया है। अगर मैंने बोला सेवन वन सेक्शन सेवन सबसेक्शन वन, एट फोर फोर, और डायरेक्टली सबसेक्शन फोर नहीं आएगा, सबसेक्शन वन टू थ्री रहेगा, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, ये समझा ठीक है। अब मेरे को पता सबसेक्शन को और डिवाइड करना रहा तो क्लॉज कभी भी नंबर्स में नहीं होता है, अल्फाबेट्स में होता है, क्लॉजेस कभी भी किस में होते हैं अल्फाबेट्स, यानी अब इधर देखो स्क्रीन पे देखो मालिक, मालिक स्क्रीन पे, सारी आत्मा स्क्रीन पे। अब अगर मैंने ये बोला, अब मैं बोलूं वन के अंदर मुझे ए लिखना है, इसका मतलब क्लॉज ए, यानी सेक्शन वन सबसेक्शन वन क्लॉज ए। अब इमेजिन करो, अरे क्या तोड़ बनता है, यानी आप अगर बोलोगे सर खाली सेक्शन में खाने खत्म होती है, नो भाई ओके थोड़ा छोड़ रखे लगाओ, ओके ये मैंने बी लिखा, मतलब सेक्शन वन क्लॉज बी, समझा। फिर मैंने ये एक्स लिखा, सेक्शन वन सबसेक्शन वन क्लॉज एक्स, एट फाइव सी लिखा, एट सबसेक्शन फाइव क्लॉज सी, पक्का समझा। अब क्लॉज के बाद और डिवाइड कर और पॉइंट बनाने हैं, अब सब क्लॉज अल्फाबेट में नहीं होता है, ओके वो नंबर में होता है, लेकिन नंबर कैसे लिखना है रोमन में, किसमें लिखना है रोमन में, यानी अब इसके अंदर अगर मैं स्क्रीन पे लिखो ओके मतलब स्क्रीन पे अगर मैंने इसको वन किया, ये वन क्या होगा सब क्लॉज, सब सेक्शन नहीं सब क्लॉज, यानी ये रोमन ही बोलते हैं इसको, ये जो रोमन होता है ये कभी सेक्शन भी नहीं होता है, सब सेक्शन भी नहीं होता है, क्लॉज भी नहीं होता है, ये क्या होता है सब क्लॉज। यानी इमेजिन करो लॉ मेकर को क्या क्या ध्यान में रखना होगा, यानी वो पहले सेक्शन ड्राफ्ट करेगा, सेक्शन के और पॉइंट बनेंगे, उसमें क्या ड्राफ्ट करेगा सब सेक्शन, सब सेक्शन के बाद वो और क्या ड्राफ्ट करेगा क्लॉज, क्लॉज कैसे होंगे ए बी सी, और उसके बाद ए बी सी के अंदर वो कैसे होंगे रोमन वन टू थ्री। अब आप बोलोगे सर रोमन वन टू थ्री के बाद और एक और वन टू थ्री बनते जाएंगे, क्योंकि इनको भी क्या बोलोगे सब क्लॉज के बाद सारी चीजें उसका आगे जो भी डिवीजन होगा, सब क्लॉज इज द लास्ट वर्डिंग विच यू यूज इन लॉ। यानी अगर मैं ऐसा कर रहा हूं ओके ये देखिए ओके ये मेरे को इसको रीड करके बताइए एक बार, ये वाला पॉइंट सेक्शन वन सब सेक्शन वन क्लॉज ए सब क्लॉज वन है इधर ओके, अब इधर ये अगर मैं बोलता हूं वन का वन वन का टू वन का थ्री, इसका मतलब क्या होगा, मतलब कैसे बोलोगे रीड करो सेक्शन वन सेक्शन क्लॉज ए सब क्लॉज वन सब क्लॉज वन क्लॉज सब क्लॉज, आगे सिर्फ वर्ड क्या यूज किया आगे फिर पॉइंट बन गए, बहुत रेवेस्ट होता है बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, लेकिन लॉजिक समझा, यानी अपना एंड किधर होता है सब क्लॉज ओके इधर तक ठीक है। लास्ट वर्ड जो आपने मेरे को बताया था, मेरे को बताओ क्या था एक्सेप्शन का, इसकी कमर दुख रही भाई सोहम की, प्रोवाइजो ओके प्रोवाइजो मतलब क्या था प्रोवाइडेड दैट, ये इसको आप रीड करते वक्त या एक्सेप्शन बोलो या कंडीशन बोलो, दो चीज यूज करेंगे, क्या बोलेंगे एक्सेप्शन कंडीशन ओके। यानी अगर मैंने स्क्रीन पे लिखा, स्क्रीन पे लिखो मैंने ये दिया ओके इधर कुछ लिखा लॉ और इसके बाद लिखा प्रोवाइडेड दैट ओके ये रहेगा प्रोवाइडेड दैट ब्ला 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 ब्ला, तो मैंने बताओ ये कैसे रीड होगा सेक्शन वन सब सेक्शन वन प्रोवाइजो टू, प्रोवाइडेड दैट लिखा ही है पर उसको क्या बोलते प्रोवाइजो टू सब सेक्शन वन, प्रोवाइजो किसका ये सब सेक्शन वन, प्रोवाइजो किसका है समझ में आया,
अगर मैंने इसको ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ए हो गया और इधर प्रोविजो लिखा है, अब मेरे को बोल क्या कैसे है, क्या ये प्रोविजो किसका है, प्रोविजो किसका, क्लॉज ए का है, क्लॉज ए कौन सा, सबसेक्शन वन का, सेक्शन वन का, ये समझा समझा पक्का, एवरीबडी कोई भी पॉइंट है तो बताओ, फिर मैं आगे जाता, क्योंकि अपन इधर तक, ये पहला पॉइंट है जिसमें मेरे को सिर्फ ये बताना था कि ये वर्ड्स आएंगे आपको अभी, और जब ये वर्ड आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए भाई हो क्या रहा है। तो अगर इसको मैं कुछ ऐसे बोलता हूं 43 1 A, ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है वर्डिंग, तो अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे बताओ, 43 सबसेक्शन वन क्लॉज ए, समझा लिखा कैसा है। तो अब जब सेक्शन ड्रॉप होगा ना, सुनो, सेक्शन ड्रॉप होगा 43 ऐसा लिखा जाएगा, उसके नीचे वन लिखा जाएगा, उसके नीचे ए लिखा जाएगा, मैं बोल रहा हूं मेरे को इसका आंसर चाहिए, मेरे को बाकी नहीं चाहिए, तो आंसर लिखते हो कैसे लिखते हैं 43 1 A, यानी मैं डायरेक्टली कौन से पॉइंट में आ रहा हूं, ए वाले पे, यानी मुझे 43 बताने की जरूरत नहीं है, मुझे वन बताने की जरूरत, मुझे डायरेक्टली क्या बताना है, ए, समझ में आया, एवरीबडी क्लोज करो पक्का। तो अब अगर मैं कोई भी वर्ड बोलू तो फोन में आ जाएगा, तो मुझे बताओ ये क्या होगा, 2E 2E, सेक्शन टू, सबसेक्शन नहीं बोलोगे, क्लोज ई, अरे आप बोलोगे सर इसमें सबसेक्शन नहीं है, ओके हो सकता है, जरूरी नहीं है सबसेक्शन बनाए वो, तो मैंने बोला पहला दो यही वर्ड दिया ना, तो इसको क्या बोलोगे आप, सेक्शन टू क्लॉजी, सबसेक्शन ही नहीं बोलते तुम, सबसेक्शन के लिए क्या जरूरी है, नंबर, ये याद रखा, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं 2 2E, बोलो भी सेक्शन टू सबसेक्शन टू क्लॉज ई, झूठा ये एवरीबडी, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं प्रोवाइजो 2 83 सेक्शन 1 B and 1, मतलब क्या, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, आराम से जाओ, प्रोवाइजो, ये प्रोवाइजो किसका है, सेक्शन 83 का, सब सेक्शन 1 का, क्लॉज बी का, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज 1 का, इज दैट क्लियर, मैंने बोला 83 B, 83 क्लॉज बी, आप सब सेक्शन बी नहीं करते, सेक्शन 83 क्लॉज बी, पक्का झेपा, ठीक है, कोई भी एक्ट बताओ, ऑलमोस्ट एवरी एक्ट एक्सेप्ट एक हद एक्ट छोड़कर, जो आपके आपके दिल में पर एक्सेप्ट एक हद एक्ट छोड़कर, हर एक्ट में सेक्शन 1 ये होता है कि यह एक्ट एप्लीबल किसको है, और सेक्शन 2 हमेशा होता है डेफिनेशन, कोई भी एक्ट आप नाम लो एक्ट का, मैं आपको बताता हूं उसके पहले सेक्शन में क्या लिखा होगा, वो एक्ट किसको एप्लीकेबल है, कहां एप्लीकेबल है, और इसके सबसेक्शन 2 में क्या दिया होगा, डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेशन के बिना जिंदगी जी ही नहीं जा सकती, आप जब कुछ बोल रहे हो, आप कुछ इंटरप्रेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपका क्या मतलब है, आपका क्या मायना है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, लॉ क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसे लगा, अरे तेरे को लगने से कोई लेना देना नहीं, लॉ क्या बोल रहा था, ओके लेट्स एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, बट बिफोर दैट मेरे को बताओ कोई भी पक्के सब लोग क्लियर है, तो कितनी चीजें पड़ेगी अपने, 5, कौन सी और अगर कोई भी एक्ट होता है उसके एक्ट के आगे नाम होता है वो ईयर, ईयर ऑफ कमेंसमेंट, खाली एक्ट ही एप्लीकेबल होता है, ये एक्ट में कुछ और आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, अमेंडमेंट कैसे होते हैं, नहीं चेंज होते वो कैसे होते हैं, चेंज होते हैं अच्छे होते हैं, खाना अमेंडमेंट होते कैसे, मतलब एप्लीकेबल कैसे होते हैं, वो किस में जाते हैं, मिनिस्ट्री में जाते हैं, मिनिस्ट्री वापस मिनिस्ट्री मतलब पार्लियामेंट में जाते हैं, प्रेसिडेंट, सिमिलर कॉन्सेप्ट, जैसे लॉ का पॉइंट वैसे ही है, और एक तरह के अमेंडमेंट है, पर वो अभी मैं इनिशियल लेवल पे डिस्कस नहीं करना चाहता, वो बाद में जब आएगा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा मालिक, आत्मा क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। तो अब मेरा सवाल होता है, अपना पहला टोटल कितने सिलेबस में लॉ है अपने पास, फाउंडेशन में 60 मार्क्स के लिए पास हुआ है भाई, 60 मार्क का सिलेबस है ना अपना, 60 मार्क का मतलब 40 मार्क क्या है, बीसीए मतलब क्या, इंग्लिश, तब जाके 100 मार्क का पेपर बनता है,
अपने जो चार पेपर है उसमें से दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर का जो 7 मार्क है वो 7 मार्क के लिए 5 लॉ है। माँ कसम इधर जिंदगी में 1 लॉ पढ़ा नहीं जा रहा है। ओके और 5 लॉ पढ़ने पड़ेंगे भाई। कितने मार्क्स का सवाल है? ओके 5 लॉ के नाम क्या क्या है? पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके फीस ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड पांचवा हुआ कंपनीज एक्ट का ओवरव्यू है। खाली क्या है? खाली ओवरव्यू। ओके अगर अगर कुछ बाई चांस गड़बड़ से नया तो फिर ये बहुत बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, मतलब ये बढ़ जाता है। ओके फिर जो इंटर का ये बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर मत बढ़ जाता है, बट ये 5 है। देखा जाए तुम्हारे सिलेबस में ये 4 एक्ट बहुत भारी है, 5वें एक्ट का खाली क्या है? ओवरव्यू। इसमें सिर्फ एक सवाल 2 सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं छोटे बेसिक, नॉट मोर देन दैट। ये वाला कौन सा वाला? कंपनीज एक्ट। फाउंडेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा तोड़ इंपोर्टेंट कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप। ओके जिसमें से सबसे बड़ा पोर्शन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि इसमें ओके इसके खुद के 6 पार्ट्स है जो आपके सिलेबस में है, और 3 पार्ट है जो इंटर में पढ़ेंगे। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्ट्स है? 9 पार्ट्स है। 9 में से फाउंडेशन में एनी पॉइंट ऑफ टाइम 6 पार्ट्स, और इंटर में ये आप ओल्ड हो या नए हो दोनों के इसमें सिमिलर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बिना चालू नहीं करते कोई काम, मैं आपको बता रहा हूं उसका कारण समझ में आ जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम 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 क्या है? इंडियन इंडियन मतलब समझो इससे आपको क्या समझ आई अपनी किसको है? इंडिया। ओके थोड़ी सी अगर जानकारी आपके पास होगी तो आपको यह मालूम होगा कुछ समय पहले कभी भी कोई लॉ होता था ना तो हमेशा ऐसा बोला जाता था इट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कुछ आइडिया है? जम्मू एंड कश्मीर। ओके और अगर आपको मालूम होगा बीच में 3 साल पहले जब वो एक मेजर आर्टिकल 372 दो आर्टिकल रिपील की मतलब काट दिए, तब अपनी ताकत आई, आज से सारे एक्ट जो इंडिया के है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है। नहीं तो यानी पहले जम्मू जाए मोदी मतलब ना अमित शाह एंड मोदी पार्लियामेंट में वो आर्टिकल रिमूव किया तब जाके हर एक्ट नाउ इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अदरवाइज हमेशा हमेशा मेरी पूरी जिंदगी पढ़ने में ऐसी निकली है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपके लिए कोई ऐसा बचा ही नहीं है कॉन्सेप्ट, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, तो एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट ही हट गया है, नाउ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट। तो मेरे को तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम से लग रहा है किधर किधर एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया। ओके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट का मतलब लॉ है ठीक है। इंडिया का मतलब इंडियन का मतलब इंडियन ना बेसिक पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या जिससे मेरे को इंट्रोडक्शन आपको समझा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? एग्रीमेंट। आप बुक देखिए तो ठीक है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट एक वर्ड एग्रीमेंट को एक लीगल एग्रीमेंट मेरा पहला सवाल था एग्रीमेंट मतलब क्या? अभी मार्कस में 5 आठ हो गए एक 2 मिनट चलेगा ना 1-2 मिनट में एग्रीमेंट का पॉइंट है उधर 1-2 मिनट एग्रीमेंट उस भाई साहब ने बोला भाई साहब पंटर ने बोला लीगल एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट ऐसे दो एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट ये सोशल एग्रीमेंट क्या है लीगल एग्रीमेंट क्या है? ओके तो सबसे पहला पॉइंट है एग्रीमेंट मतलब क्या? एग्रीमेंट मेन छोड़ एग्री एग्री मतलब क्या? कुछ चीज पे एग्री हुआ ओके और इसमें है ना
तू और मैं एक चीज पे एग्री हुए, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तू और मैं एक चीज पे एग्री हुए, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ये भारत में क्या समझा क्या, दैट इज कॉल्ड। तो यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं एग्रीमेंट एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ओके, एवरी प्रॉमिस मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस को तू भी प्रॉमिस कर रहा है, क्योंकि दो जन आएंगे, पहले मैं क्या बोलूंगा आई प्रॉमिस, फिर तू भी क्या बोलेगा आई प्रॉमिस मेरे कोई कुछ आई प्रॉमिस एग्रीमेंट नहीं है, ओके, आई प्रॉमिस जब ये सेट होता है, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। बेटा सीए कर ले, बाइक दूंगा, बोला इज दिस एग्रीमेंट, यस, बिकॉज पप्पा प्रॉमिस, बच्ची प्रॉमिस, सीए बोलती है। मेरा सवाल है एकदम सिंपल से सोचो, ओके, सीए बन गया, अब पापा बोला पापा बाइक क्या निकाल, खुद से खरीद लेना, कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे मेरी बाइक चाहिए, आओ कोर्ट में। मेरा सवाल है क्या ये प्रॉमिस था ना, एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस, और खाली प्रॉमिस मतलब दो प्रॉमिस, इट इज कॉल्ड एग्री सेट ऑफ प्रॉमिस, एग्रीमेंट दो प्रॉमिस होगा तो एग्रीमेंट होगा, लेकिन ये प्रॉमिस बापू ने बच्चू को दिया, जैसे तेरे को किया जाता है, तू बोला इतने मार्क्स लेके आते हो दूंगा, अभी इमेजिन कर तेरे को मिल रहा है, नहीं दिया होता तो कोर्ट में जा सकता था। तो यही पॉइंट, ये एग्रीमेंट है ना, या ना एग्रीमेंट है, लेकिन ये लीगल नहीं है, ये लीगल नहीं है। ये कौन सा एग्रीमेंट है, जो भाई साहब ने बोला सोशल एग्रीमेंट, सोसाइटी के साथ रहते हैं, जिसको लीगली तुम कोर्ट में लेके जाओगे, ओ भाई कोर्ट में निकाल देंगे, लीगली एनफोर्स नहीं है ये। सर ऐसा क्यों, लॉ का कोई अपना पॉइंट है, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं है। मैंने इसको बोला ओके एक काम कर, ये पेन है मैं तेरे को बेच रहा हूं, ओके 2000 रुपए में, ओके समझ छोड़ो, मैं वो बोला ठीक है मेरे को खरीदना है, तो मैंने इसको बेचा, उससे मैंने क्या लिया 2000 रुपए, ओके इसका ये एग्रीमेंट हुआ, प्रॉमिस, मैंने क्या प्रॉमिस किया, नहीं मैं 2000 तो नहीं होगा, मैं क्या दे रहा हूं, और उसे क्या ले रहा हूं, तो मेरा प्रॉमिस क्या था, उसका प्रॉमिस क्या है, ओके समझ में आया, और ये दोनों प्रॉमिस मिले तो क्या बना एग्रीमेंट, पर क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है, नहीं है, क्यों, मतलब अगर इसने नहीं खरीदा तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। यही चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बताए, कौन सी चीज आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, कौन सी चीज आप कोर्ट में नहीं लेके, पप्पा को नहीं लेके जा सकते, तुम समझ में मालिक, बाकी अपन कल बात करेंगे, लेकिन टू द एक्सटेंड एक क्या चीज क्लोज करें, एक बार खाली मेरे को इन्वेंट्री बता दो, इन्वेंट्री मतलब आज की इन्वेंट्री, तो आपको समझ में आ गया, लॉ अगर मैंने बोला तो कितनी चीज होती है, 5, ओके सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज, ये समझा, ओके हमेशा हर लॉ का पहला सेक्शन क्या होता है, नहीं हर लॉ का पहला सेक्शन क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी, किधर एप्लीकेबल रहता है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, उसका एक प्रिंसिपल होता है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, और सेक्शन टू क्या होता है, हमेशा डेफिनेशन होता है। अब डेफिनेशन क्यों होते हैं, जो मैं आपको समझाया, एग्रीमेंट, अभी एग्रीमेंट आप बोलोगे एग्रीमेंट, अब भाई कौन सा एग्रीमेंट, तो भाई एक्ट में डेफिनेशन दिया है, वही डेफिनेशन पर उसको एज्यूम करेंगे, जिसको अपन कल चालू करेंगे, ओके सी यू टुमारो, टेक केयर मालिक, तो पक्का झीला करे, क्लास के बाद क्या करे, सब क्लास के बाद सब कुछ सब क्लास ही होता है, तोड़ मैम।